हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हेलो 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 माय डियर फ्रेंड्स। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल और इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। जो जो हमारे साथ चैट में अवेलेबल हैं वो या यस सो नो कर दीजिए। कौन कौन अवेलेबल हैं? ऋषि, आर यू देयर और नॉट? या सो वेलकम यू ऑल ऑन इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। माय नेम इज मोहम्मद शकील पठान और ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। आई एम हैविंग 8+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर गेट इन एसी क्लासेस, मेंटर मोर देन 60,000 स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया, आई क्वालिफाई आईएएस 2013 एंड आरएएस 2014 रिटर्न एग्जाम, क्वालिफाई गेट एग्जाम 7 टाइम एंड वर्क एज अ फ्रीलांसर फैकल्टी इन मैनी रेपुटेड इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया एंड ऑल्सो वर्क विद वेरियस यूनिवर्सिटी अक्रॉस इंडिया। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट अन अकेडमी लर्निंग ऐप, तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि वैन यू डाउनलोड द अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपको डेली लाइव क्लासेस मिलता है। यहाँ पर आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, इंगेज कर सकते हो और डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत ही इंगेजिंग ये क्लासेस होता है और यहाँ पर पोल वगैरह भी आप कंडक्ट कर, जब आपके एजुकेटर कराते हैं तो उनके आंसर भी आप दे सकते हो। इसके साथ साथ आपको मिलता है लाइव टेस्ट और क्विजेस। लाइव टेस्ट और क्विजेस में आप अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस की या न्यूमेरिकल एबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको मिलता है यहाँ पर स्ट्रक्चर कोर्स, फुल्ली स्ट्रक्चर कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा। एंड फुल्ली स्ट्रक्चर कोर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हम कहीं पर भी हो, चाहे आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आइए हमारे या फिर आप हमारे ऐप वाले प्लेटफॉर्म पे आइए, आपको हमेशा कोर्स जो है हम कंप्लीट कराएंगे पूरी की तरह स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। उस कोर्स को हम प्रोवाइड कराते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ईच एंड एवरी पोर्शन सिलेबस का हम आपको कवर कराते हैं। इसके साथ आपको मिलता है यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस वंस यू गेट अ सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। जितनी भी लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, उन सबको आप देख सकते हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट ऑन एनी डिवाइस, जैसा कि आप सब जानते हो अन अकेडमी वी हैव अ टॉप एजुकेटेड टीम, सो अकॉर्डिंग टू योर लर्निंग कर्व, अकॉर्डिंग टू योर लर्निंग प्रेफरेंस यू कैन फॉलो एनी ऑफ द एजुकेटर एज यू वांट। अगर हम यहाँ पर चार्जेस की बात करें तो 12 मंथ की जो फीस आपको पड़ेगी वो मात्र आपको पड़ेगी 30,225 रुपये। लेकिन यहाँ पर भी एक गुड न्यूज़ है, जब आप मेरा कोड अप्लाई करोगे SP पठान तो आपको यही कोर्स, ये फीस आपको 27,000 रुपये में पड़ेगी, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। और यहाँ पर एक और बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी फीस है वो 6 मंथ EMI ऑप्शन पर अवेलेबल है। इसका मतलब आप EMI पर भी इसको ले सकते हैं। अगर आपके पास HDFC का डेबिट कार्ड है या फिर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है या बजाज फाइनेंस का क्रेडिट कार्ड है तो आप इसको EMI पर ले सकते हैं और EMI चार्जेस बहुत ही मिनिमम है। आप इसको मंथली बेसिस पर बहुत ईजीली अफोर्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग नया तरह का सब्सक्रिप्शन लेके आए हैं, आइकोनिक सब्सक्रिप्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन। इन आइकोनिक सब्सक्रिप्शन यू कैन यू हैव सम स्पेशल बेनिफिट बिसाइड द प्लस सब्सक्रिप्शन बेनिफिट। ऑल द प्लस सब्सक्रिप्शन बेनिफिट इसके साथ कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर मिलेगा क्या तो आपको यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर मिलेगा स्टडी मटेरियल, तो स्टडी मटेरियल से आप अपने घर पर प्रिपरेशन को और ज़्यादा शार्पर कर सकते हैं। उसके साथ आपको मिलता है यहाँ पर स्टडी प्लानर, स्टडी प्लानर से आप अपनी स्टडी को प्लान कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर मिलता है पर्सनल कोच, तो पर्सनल कोच आपको गाइड करेंगे भैया किस सब्जेक्ट को किस तरह से आपको पढ़ना है, दैट इज़ अ पर्सनल कोच। उसके साथ साथ आपको मिलेगा पर्सनल टेस्ट एनालिसिस, जब भी आप दोगे तो आपको एक टेस्ट दोगे तो आपको एक पर्सनल एनालिसिस हम करके देंगे जो कि आपको ये बताएगा किस सेक्शन में आपका वीक चल रहा है और किस सेक्शन में आपको अभी और इम्प्रूव करना है। नाउ कम टू द आवर लेक्चर, इन आवर प्रीवियस डिस्कशन वी जस्ट कम्प्लीट ऑल द डायमेंशन लेस एनालिसिस एंड नाउ वी विल कम्प्लीट सम क्वेश्चन ऑन दिस डायमेंशन लेस एनालिसिस। देखिए किस तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं गेट में और किस तरह के बन सकते हैं उसी पर हम आज अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए ये गेट का क्वेश्चन है जो कि आ चुका है। इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल स्टेशन वाटर इज अवेलेबल एट द रेट ऑफ 175 m³/s। तो वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज़ अ गेट क्वेश्चन और ये गेट में आ चुका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल वाटर इज अवेलेबल एट द रेट ऑफ 175 m³/s।
under a head of 18 meter. The turbines run at a speed of 150 rpm with overall efficiency of 82%. Find the number of turbines required if they have the maximum specific speed of 460. Maximum specific speed of 460. ठीक है, तो बोल रहा है अगर हमारे पास मैक्सिमम स्पेसिफिक स्पीड कितनी है, 460 अवेलेबल है, ठीक है, जितने भी हमारे पास टर्बाइंस हैं उनकी मैक्सिमम स्पेसिफिक स्पीड कितनी है, 460, और हमको कितना पावर डेवलप करना है यहाँ पर. हाइड्रो इलेक्ट्रिकल स्टेशन है, यहाँ पर हमारे पास वाटर अवेलेबल है. जो भी चैट में आ चुका है वो यस और नो कर दीजिए, कौन कौन आ चुका है. वाटर अवेलेबल है 175 मीटर क्यूब पर सेकेंड से, अंडर अ हेड ऑफ 18 मीटर, हेड वहाँ पर कितना है 18 मीटर का है, और वहाँ पर जो टर्बाइन की रनर स्पीड है वो कितनी है 150 आरपीएम. इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ पोल्स होंगे हमारे पास टर्बाइन जो जनरेटर है उसके अंदर वो पोल्स फिक्स हैं, ठीक है, और ओवरऑल एफिशिएंसी यहाँ कितनी 82%. अब आपसे पूछा है फाइंड नंबर ऑफ टर्बाइन रिक्वायर्ड इफ दे हैव द मैक्सिमम स्पेसिफिक स्पीड. गाइज यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डायमेंशनलेस एनालिसिस और इस पोर्शन से, और बच्चे जब इसको छोड़ देते हो आप लोग तो यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, और वो एक दो मार्क्स के जो क्वेश्चन आप छोड़ के जा रहे हो वही आपके एग्जाम में आपको मिल जाते हैं कई बार, क्योंकि हम ये सोच के चलेंगे हमारी किस्मत बहुत ख़राब है, इसलिए हम लोग सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ढंग से करने वाले हैं, ठीक है. तो जो जो चैट में हमारे साथ आ चुका है, ऋषि आ चुका है, इस क्वेश्चन को एक बार देखिए और ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, एक आइडिया गेट करने की कोशिश करिए सॉल्व क्वेश्चन को. सॉल्व कैसे करेंगे, ये कह रखा है हमारे टर्बाइन की साइड पर एक 18 मीटर का हेड है, रिजर्वायर में 18 मीटर का हेड है, ठीक है, वहां पर जो पानी अवेलेबल है हमारे पास किस रेट से अवेलेबल है 175, ठीक है, और हमको दे रखा है जो टर्बाइन रन करेगा 150 आरपीएम से रन करना चाहिए, और हमारे पास जो टर्बाइन अवेलेबल है उनकी मैक्सिमम स्पेसिफिक स्पीड है 460. हमारे पास जो टर्बाइन है उनकी मैक्सिमम स्पेसिफिक स्पीड है 460. तो अब हम यहां से क्या निकालना है, हमें निकालना है कि हमको कितने टर्बाइन यहां पर लगाने पड़ेंगे, कितने टर्बाइन हमें इस साइड पर लगाने पड़ेंगे, 1 2 3. तो बिल्कुल बिल्कुल डिजाइनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है गेट के अंदर, ठीक है. इस तरह के क्वेश्चन आजकल गेट देने लगा है क्योंकि वो यस. सो माय डियर फ्रेंड लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, मैं सॉल्व करने वाला हूं आपके सामने, ठीक है. सबसे पहली बात ये होगी कि जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अभी पंप भी पढ़ने वाले हैं हम थोड़ी देर में, तो जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम टर्बाइन पर मैक्सिमम कितनी पावर ले सकते हैं, हमारे पास मैक्सिमम कितनी पावर जनरेट हो सकती है टर्बाइन की साइड पर. तो हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी WQH अगर हम कर देंगे तो ये वो पावर होगी जो हम इन साइड से डेवलप कर सकते हैं. तो यहां पर आप देखिएगा ओवरऑल एफिशिएंसी आपको दे रखी 82%, तो यहां पर हो जाएगा 0.82. स्पेसिफिक वेट क्या होता है 9810. आपके पास डिस्चार्ज कितना अवेलेबल है भैया, वो दे रखा है आपको 175 मीटर क्यूब पर सेकेंड. वन मिनट, या 175, यस यू सॉल इट, आई एम ओके. और जो जो चैट में है मेरे पास यस ओ नो कर दीजिए, एनीबडी इन माई क्लास यस ओ नो कर दीजिए, बिकॉज आई एम रियली रियली इंजॉय व्हेन आई इंटरेक्ट विद माई स्टूडेंट. ओके, या तो माय डियर फ्रेंड यहां पर आपको, या ऋषि एक मिनट मांग रहा है इसलिए मैंने दे दिया उसको टाइम, बिकॉज मे बी पॉसिबल ही इज सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो देखिए उसके बाद हमारे पास अवेलेबल हेड कितना है, हमारे पास साइट पर जो रिजर्वायर में है वो 18 मीटर है, ठीक है. तो हम मैक्सिमम कितनी पावर इस साइट से डेवलप कर सकते हैं, या 18 मीटर हेड की रिजर्वायर की जो साइट है इससे हम कितनी पावर डेवलप कर सकते हैं, वो है 9810 इंटू 175 इंटू 18. तो इतनी पावर हम यहां पर डेवलप कर सकते हैं इस साइड से, और वो आ रहा है आपका, क्या इसको मेगा में निकालना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा क्वांटिटी आ रहा है ये, 25.339 मेगावाट. यस ऋषि ने भी आंसर दे दिया है, ये मैक्सिमम पावर जो हम इस साइड से ले सकते हैं. अब हमारा टर्बाइन कितना मैक्सिमम पावर डेवलप कर सकता है वो डिसाइड होता है उसकी स्पेसिफिक स्पीड से. देखिए माय डियर फ्रेंड यहां पर आपको स्पेसिफिक स्पीड दे रखी है,
कितना दे रखा है? यस, स्पेसिफिक स्पीड मैक्सिमम कितनी है हमारे पास? 460। हमारे पास जो टरबाइन अवेलेबल है उसकी स्पेसिफिक स्पीड 460 है। टरबाइन का मैक्सिमम रोटेशन आरपीएम कितना है? 150 आरपीएम। ये 150 यहां दे रखा है, तो मैक्सिमम कितना हमारा पावर डेवलप कर सकता है टरबाइन, वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो टरबाइन कितना पावर डेवलप कर सकता है ऋषि, निकालना एक बार। ये 460 इंटू कर देना 8 की पावर 5/4 अपॉन 150, ठीक है? इसका हम कर देंगे स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा पावर, ठीक है? निकालना एक बार ऋषि, 460 इंटू 18 की पावर, या 18 की पावर 5/4, 5/4, 18 की पावर 5/4 अपॉन 115, ठीक है, का स्क्वायर। तो आई थिंक ये आ रहा है आपका, या ये आ रहा है आपका पी इक्वल टू आ रहा है 12.927, ये किलो में आएगा, दैट इज किलो वाट। कितना आ रहा है ये, सॉरी वापिस निकालना, कितना आ रहा है बेटा? 460 इंटू 18 की पावर, ओके, या तो यहां पर किलो वाट में वैल्यू आ रही है 12927.4 किलो वाट। तो हमारे पास, क्योंकि यहां पर जो पावर हम निकालते हैं वो किसमें होती है? हमारे पास किलो वाट में होती है। तो हमारे पास पावर की वैल्यू कितनी आ रही है अपने से? 12927.4 किलो वाट, माई डियर फ्रेंड। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है? पावर की वैल्यू आ रही है। तो अगर इसको मेगावाट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 12.927 मेगावाट, 12.927 मेगावाट। तो एक टरबाइन आपकी कितनी मैक्सिमम पावर जनरेट कर सकता है? इतना मैक्सिमम पावर जनरेट कर सकता है। हम टरबाइन हमारी साइड से कितनी मैक्सिमम पावर जनरेट कर सकते हैं? इतनी कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टरबाइन हमें कितने चाहिए होंगे? नंबर ऑफ टरबाइन हमें चाहिए होंगे 25.25.339 मेगावाट अपॉन, अब यहां पर कर देंगे हम लोग 12.927, 12.927, तो इनको अपॉन कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टरबाइन वी रिक्वायर्ड टू जनरेट दिस अमाउंट ऑफ पावर या इन इन दिस साइट। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 1.96, इसका मतलब 1.96 तो नहीं लगा सकते, तो कितने टरबाइन लगाएंगे हम? दो टरबाइन लगाएंगे। तो इस साइट पर हम दो टरबाइन यूज करेंगे टू जनरेट दिस अमाउंट ऑफ पावर। तो इस साइट पर हमें दो टरबाइन यूज करने होंगे, जो हमारे पास यहाँ पर स्पेसिफिक स्पीड दे रखी है उस स्पेसिफिक स्पीड के अकॉर्डिंग। तो इस साइट पर हमें दो टरबाइन यूज करने होंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्पेसिफिक स्पीड, माय डियर फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू दिस स्पेसिफिक स्पीड। यस, समझ में आ गई बात? यस, स्पेसिफिक स्पीड से हम चूज करते हैं कि हमें कितने टर्बाइन यहां पर यूज करने होंगे। या अब हम नेक्स्ट कहता है, ए टर्बाइन इज टू ऑपरेट अंडर अ हेड ऑफ 25 मीटर एट 200 आरपीएम, द डिस्चार्ज इज 9 m³/s, डिस्चार्ज इज 9 m³/s, इफ द एफिशिएंसी इज 90%, डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ टर्बाइन अंडर अ हेड ऑफ 20 m, अंडर अ हेड ऑफ 20 m, ठीक है, अंडर अ हेड ऑफ 20 m, 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 ओके। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो हमारा टरबाइन जो है वो 25 m पर वर्क कर रहा है, आरपीएम कितना है ये रहा, डिस्चार्ज कितना है ये रहा, और एफिशिएंसी 90% है। अब बोल रहा है कि अगर हेड यहां पर हो जाए 20 m, तो बाकी पैरामीटर बताओ, जैसे कि आपको पूछ रहा है कि आरपीएम बताओ, डिस्चार्ज बताओ और पावर बताओ। तो सबसे पहले हम यहां पर पावर ही निकाल लेते हैं कि पावर क्या होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी इनटू डब्ल्यू क्यू एच। ओवरऑल एफिशिएंसी 0.9 दे रखी है, डब्ल्यू कितना हो गया 9810 और क्यू कितना हो गया 9, और हेड कितना है यहाँ पर 25 m। तो हमारे पास पावर कितना डेवलप करेगा ये टर्बाइन? 0.9 इंटू 9810 इंटू 9 × 25, तो पावर डेवलप इज इक्वल टू 198.86.525, ये होगा किलो वाट। अब देखिए, आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था यूनिट क्वांटिटीज, तो मैंने बताया था कि भैया यूनिट क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक
जब हमारा टरबाइन पर हेड वेरी करेगा तो अलग अलग हेड के अबाउट जो है स्पीड को बराबर करते हैं, ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन की स्पीड होती है व्हेन टरबाइन वर्क अंडर 1 मीटर हेड। तो एन वन अपॉन यहां पर हम कर देंगे एन टू, इक्वल टू हो जाएगा ये रूट ऑफ एच वन अपॉन एच टू। सो माय डियर फ्रेंड लेट्स सी। तो पहले हमारा जो टरबाइन है वो 200 आरपीएम पे वर्क कर रहा है, ठीक है, और उस कंडीशन में हमारे पास जो अवेलेबल हेड है डियर, वो अवेलेबल हेड है 25 मीटर, वो अवेलेबल हेड है 25 मीटर। अब हमारा जो हेड है वो घट के कितना हो गया 20 मीटर। तो इस फॉर्मूले से हमारा आ जाएगा एन टू, निकाल के बता देना। नेक्स्ट आएगा हमारा डिस्चार्ज, तो आप जानते हो क्यू अपॉन रूट एच इक्वल टू क्यू अपॉन रूट एच। तो कुल मिला के कहानी ये है कि क्यू टू जो होगा, यहाँ पर क्यू टू हो जाएगा टी टू, ये एच वन, ये अगेन क्यू टू इक्वल टू क्या होगा रूट ऑफ एच टू माइनस एच वन ऑफ क्यू वन, दैट इज क्यू टू। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा क्यू टू आएगा 178.88। उसके बाद पावर की अगर हम बात करें तो यूनिट पावर होता है पावर अपॉन एच की पावर 3/2, पी अपॉन एच की पावर 3/2। तो यू नो दैट सेकेंड पावर विल बी इक्वल टू एच टू अपॉन एच वन की पावर 3/2 इंटू पावर और फर्स्ट केस। इससे हमारा क्या आ जाएगा पी टू आ जाएगा। डाटा देख लेना, डिस्चार्ज आपको दे रखा है यहाँ पर 9 P1 और दूसरा पावर हमने निकाल लिया 1986.2525। तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो डिस्चार्ज आ गया। डिस्चार्ज आपके दोस्त ने बता दिया है, ऋषि ने, दैट इज 8.04 m³/s। वेरी गुड ऋषि, वेरी गुड। इससे पावर भी आ जाएगा, आप निकाल चुके हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे यूनिट स्पीड और यूनिट क्वांटिटी पे। माय डियर आप लोग क्या करते हो, बहुत सारे बच्चे आजकल क्या है ना बहकावे में जल्दी आ जाते, कोई भी उनको सिंपल पढ़ाएगा तो खुश होके बस, या हमको तो सब कुछ आ गया। देखो यार, अगर वास्तव में गेट का एग्जाम निकालना है ना और 40-50 नंबर अच्छे रैंक से पीएसयू लेने लायक, तो आपको हर तरह के क्वेश्चंस की ढंग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हर सेक्शन को प्रॉपर तरीके से डील करना होगा, ठीक है। कई बार मैंने देखा है सम टीचर हैज स्टाइल दैट कि वो क्या करते हैं बच्चे को बहुत ज़्यादा खुश करते हैं, और उस चक्कर में क्या होता है बच्चों को सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो टफ टॉपिक है उनको छुड़वा दिया जाता है। मैं नहीं बोलता वो नहीं पढ़ा सकते हैं, पता नहीं, बट आई डोंट नो, बट आजकल क्या है कि पॉपुलरिज्म का ज़माना है भाई, जिसमें बच्चे खुश रहें बस उस वही चीज़ पढ़ाई जाएगी, जिससे उनका भला होगा ना उससे उनसे कोई लेना देना नहीं। आजकल यूट्यूब पे यही तो हो रहा है, जो चीज़ पॉपुलर है वही पढ़ाओ, जिससे भला होगा वो नहीं पढ़ाओ, ठीक है। सो समटाइम दिस थिंग हैपन टू टीचर्स लाइक मी ऑल्सो, बिकॉज आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मैं किसको फॉलो करूँ, आई एम वेरी कन्फ्यूज। सो या सिग्मा कांस्टेंट कैसे आया था कैपिलरी राइज ने, या अंकुर किस कैपिलरी राइज की बात कर रहे हो? अच्छा मेरा लेक्चर तुमने देखा होगा, मे बी पॉसिबल अंकुर, या अच्छा, याद आ गया याद आ गया। अरे ये अंकुर, अंकुर यू आर देयर और नॉट, पहले बता मुझे यहाँ पर अभी हो या नहीं हो, अगर तुम यहाँ हो तो मैं समझाऊंगा, नहीं हो तो मैं नहीं समझाऊंगा। आर यू देयर और नॉट, पेशेंस है समझने का तो समझना, क्योंकि तुमने मेरे को शायद यस यस मैंने तुमने मेरे को शायद फेसबुक पे भी इसको मैसेज किया था। डियर एक बात बताओ, जब हम कैपिलरी राइस की बात किया सराम है, ऋषि आर यू देयर, मुझे स्टूडेंट्स दो ही दिखा रहे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को स्टूडेंट दो ही दिखा रहा है, बट मे बी पॉसिबल आर यू देयर, यस ओके ऋषि। अंकुर बेटा जब भी हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की, ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या आएगा, सरफेस पे आएगा। तो अगर सरफेस टेंशन सरफेस पे आएगा तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स लगता है ना वो सरफेस के टेंजेंट लगता है, सिग्मा सरफेस की क्या लगता है टेंजेंट लगता है। तो इस सिग्मा का यहां से जो बनने वाला एंगल है ये थीटा होता है। तो हमको तो क्या लगाना है, हमको फोर्स बराबर करना है वर्टिकल डायरेक्शन में,
क्योंकि देखिए बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स तो वैसे ही बराबर हो जाएंगे, इधर से भी सिग्मा लगेगा और इस साइड से भी सिग्मा लगेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिग्मा का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना बेटा वो होगा सिग्मा कॉस थीटा, तो उसके वर्टिकल कंपोनेंट को लिया है क्योंकि हम यहाँ पर वर्टिकल वर्टिकल फोर्स बराबर करते हैं। हम ऊपर लगने वाला फोर्स सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई डी, नीचे लगने वाला फोर्स जो इसका वेट है उसके बराबर करते हैं, तो इसलिए हमने सिग्मा कॉस थीटा यहाँ पर लिया था। या फिर मैंने आपको ऐसे ड्रॉपलेट से बताया था कि मान लो अगर आपकी कोई ड्रॉपलेट है, ठीक है, तो इस ड्रॉपलेट पर दो तरह के फोर्स आएंगे, एक जो इस ड्रॉपलेट को ऐसे स्प्रेड करता है और एक जो इस ड्रॉपलेट को अंदर की तरफ खींचेगा। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो सिग्मा होता है, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो सिग्मा होता है। इसको बोलते हैं हम, अंदर की तरफ लग रहा है तो इसको बोले कोहेंसिव फोर्स, नो बेटा नो नो नो, टेन कैसे आएगा? जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं बेटा ये रिजल्टेंट की कहानी है। जैसे मान लो दो फोर्स लग रहे हैं, टेन इस बेटा टेन नहीं आता, मैं अब सीधी सी बात बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात पूरी ढंग से। दो फोर्स लग रहे हैं यहाँ पर एफ वन एफ टू, तो इनका जो रिजल्टेंट निकालेंगे, सपोज एफ निकालेंगे, ठीक है, तो ये रिजल्टेंट इससे क्या एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं हम टेन थीटा। रिजल्टेंट क्या एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं थीटा, सॉरी उसको बोलते हैं थीटा। तो यहाँ पर टेन थीटा कभी नहीं आता, इसके साथ वाला जो कंपोनेंट होगा ये एफ साइन थीटा हो जाएगा, इससे परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस और थीटा के अपोजिट वाला कंपोनेंट साइन होता है। यहाँ टेन नहीं आता कहीं पर भी, टेन नहीं आता बेटा कहीं पर भी, टेन कहीं पर भी नहीं आता। यहाँ पर साइन आएगा या कॉस आएगा, टेन कहीं पर भी नहीं आएगा। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पर अंदर की तरफ कोहेंसिल लगता है, यहाँ पर अंदर की तरफ एडेंसन लगता है, ठीक है, एडेंसर फोर्स। तो इनसे बनने वाला जो एंगल है थीटा, ये क्या है, सिग्मा रिजल्टेंट है। ये सिग्मा दोनों फोर्सेस का क्या है, रिजल्टेंट है। जो सरफेस टेंशन फोर्स होता है वो दोनों का, कोहेंसिल एडेंसन का एक रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो ये रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, जो सरफेस आपकी बन रही है उस सरफेस के टेंजेंट आता है, सरफेस के टेंजेंट आता है, और इस सरफेस से जो बनने वाला एंगल है वो होता है थीटा। इसी तरह से यहाँ पर जो आप अगर गिलास के अंदर पानी भरोगे तो इस तरह की सरफेस बनेगी, तो इस सरफेस का टेंजेंट क्या होगा सिग्मा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया सिग्मा कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया सिग्मा साइन थीटा। अब जैसे इसके अंदर अगर हम बात करें, देखो इसके अंदर हम बात करें, इसका दो कंपोनेंट आएंगे सिग्मा के यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी दो कंपोनेंट आएंगे। एक तो आएगा आपका इस सिग्मा का परपेंडिकुलर कंपोनेंट सिग्मा कॉस थीटा, और एक आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो यही सिग्मा यहां पर भी लग रहा होगा इस तरह से, ठीक है, तो इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा और एक बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट है ना दोनों, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो वर्टिकल रहेगा वो ऊपर लगेगा, और वो किसके बराबर होता है, इस बूंद के वेट के बराबर होता है, इस फ्लूड के वेट के। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स है वो बैलेंस नहीं है, तो वो क्या करेंगे पानी की सरफेस को ऊपर की तरफ खींचते हैं, ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो जब पानी की सरफेस को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो पानी इस ट्यूब में ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो उसका वेट जब नीचे लगेगा तो थोड़ी देर बाद आके ये रुक जाएगा, क्योंकि वेट जो है ऊपर लगने वाले फोर्स के फिर बराबर हो जाता है। अंकुर बात समझ में आई या नहीं आई बेटा, अंकुर बात समझ में आई बेटा, बात समझ में आई? कई बच्चे यस, कई बच्चे मेरे को मैसेज किए हैं सर आपसे फ्रूट पढ़ना है, एंड वो लोग देख रहे हैं फ्रूट आई, हाँ यस, वो मेरे को पता है, वो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं अब लेक्चर देख रहे हैं, वो सब लोग सात सो सो के उठ रहे हैं, जब मैं पढ़ा रहा था तब तो सब पता नहीं कहाँ थे। एक और चीज़ बता रहा हूँ अंकुर, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, तो डू फॉलो दिस चैनल ऑल्सो। बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि पावर प्लांट, जैसे कि फ्लूड मैंने अभी कवर किया है, थर्मोडाइनेमिक्स मैंने कवर किया, आईसी इंजन में पढ़ाने वाला हूँ, मटेरियल साइंस में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन में यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है, एचएमटी यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो ये जहाँ पर भी तुमने मेरे से क्लासेस ली होगी या पढ़ा होगा, शायद हो सकता है आपने ये सब नहीं पढ़ा होगा मुझसे, क्योंकि जहाँ पर मैं लेता हूँ या एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ या दो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ज़्यादा ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, इस वजह से यू हैव अ वेरी वेरी ब्राइट चांस कि सब पढ़ सकते हो मुझसे, अगर आपको चाहिए तो पढ़ना है तो, ओके इफ़ यू लाइक मी, अदरवाइज आई एम नॉट टीचर लाइक दिस कि आई एम ओनली यू कैन टीच, यू कैन ओनली, यू शुड ओनली फॉलो मी, उस तरह का टीचर मैं हूँ नहीं। आई रिस्पेक्ट ऑल द टीचर, ठीक है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गुरु गुरु होता है, नॉट ओनली मी। अगर आपको अच्छा लगता है,
या मटेरियल साइंस पढ़ाएंगे बेटा, मैं बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाऊंगा मैं। और जिस दिन मैं मटेरियल साइंस ख़त्म करूंगा, आप देख लेना इसको, कोई भी टीचर्स को आप फॉलो करते हो, आप उनका लेक्चर वगैरह मिला लेगा, ज़्यादा ही मटेरियल मैंने पढ़ाया होगा। मेरा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने पे होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिंप्लीफाई वे में समझाने में होता है। बहुत अच्छे से मटेरियल साइंस मैं आपको कवर कराने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। आई होप यू विल फाइंड इट्स वेरी एंटरटेनिंग। एक्चुअली एक ही प्रॉब्लम मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा, और जितना भी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो वो भी मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा, प्रॉब्लम्स वगैरह भी। सो डोंट वरी, वो मटेरियल साइंस में कवर कराने वाला हूँ उनको, ठीक है। चलिए सो लेट्स स्टार्ट। अभी आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं डायमेंशनलेस एनालिसिस पे। अगर आपको करने हैं तो यू कैन स्टे, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू कैन लीव, बट इफ़ यू स्टे यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, क्योंकि ज़्यादा टफ है नहीं चीज़ें। अ हाइड्रो टर्बाइन इज रिक्वायर्ड टू गिव 25 MW एट 50 मीटर हेड। ऋषि सॉल्व किया क्या तुमने ये? 50 मीटर हेड एंड 90 RPM, ठीक है, रनर स्पीड। ये रनर की स्पीड दे रखी। द लेबोरेटरी फैसिलिटी अवेलेबल परमिट टेस्टिंग ऑफ 20 kW मॉडल। बेटा हाइड्रोलिक्स, तो हाइड्रोलिक मैंने स्ट्री स्टार्ट किया क्योंकि हाइड्रोलिक जो है बेटा फ्लूड मैकेनिक्स का कंटिन्यूएशन है ना, हाइड्रोलिक्स तो फ्लूड मैकेनिक्स का कंटिन्यूएशन है, इस वजह से मैंने स्टार्ट किया भाई। हाइड्रोलिक्स मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हाइड्रोलिक्स तो फ्लूड में ही आता ना, तो फ्लूड अभी खत्म नहीं हुआ है। फ्लूड खत्म होगा तो मैं पढ़ाऊंगा ना, इसमें फ्लूड में ही चल रहा है अभी तो। ये हाइड्रोलिक्स तो बेटा फ्लूड में ही आता है ना, फ्लूड और हाइड्रोलिक्स अलग अलग थोड़ी है। तो ये फ्लूड अभी चल रहा है, फ्लूड में ही पढ़ा रहा हूँ मैं, इसमें अभी फ्लूड खत्म नहीं हुआ। खत्म होगा तो स्टार्ट करूंगा ना बेटा, या खत्म होगा तो स्टार्ट करूंगा, अभी खत्म हुआ ही कहाँ है। या मैं बोला था फ्लूड खत्म हो जाएगा, तो फ्लूड में ही तो हाइड्रोलिक आता है। अभी हाइड्रोलिक खत्म नहीं हुआ, अब मैं बीच में फ्लूड छोड़ के फिर मैं हाइड्रोलिक छोड़ के फिर मैं पढ़ाता, तो हाइड्रोलिक्स फिर बच्चे बोलते कि हाइड्रोलिक्स पढ़ाओ सर। ओके चलिए, सो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्योंकि कई बच्चों को मेरे पास फेसबुक पे इंक्वायरी आई हुई, सर मेरे को हाइड्रोलिक्स पढ़ना है आपसे, सर पढ़ना है पढ़ना। तो वो इस चक्कर में मैंने हाइड्रोलिक्स स्टार्ट किया, वो बहुत पहले से आई हुई है, मेरी हर पोस्ट के नीचे हाइड्रोलिक्स लिख देते हैं वो, पता नहीं क्यों करते हैं बच्चे ऐसा। तो हाइड्रो टर्बाइन इज रिक्वायर्ड टू गिव 25 MW एट 50 मीटर हेड एंड 90 RPM रनर स्पीड। द लेबोरेटरी फैसिलिटी अवेलेबल परमिट टेस्टिंग ऑफ 20 kW मॉडल एट 5 मीटर हेड। व्हाट शुड बी द मॉडल रनर स्पीड एंड प्रोटोटाइप स्केल रेशियो। माय डियर फ्रेंड, जब भी इस तरह की क्वेश्चन आए प्रोटोटाइप मॉडल, आप तीन चीजें याद रखें, तीन चार चीजें आपको याद रखनी। सबसे पहले तो जो डायमीटर का रेशियो होता है मॉडल और प्रोटोटाइप की, जो डायमीटर का रेशियो होता है उसको स्केल रेशियो या लेंथ रेशियो कहते हैं। इसी तरह से जो मीटर मीटर हेड का रेशियो होता है इसको भी स्केल रेशियो कहेंगे। तो जहां पर भी मीटर मीटर टर्म आए ऊपर और नीचे, अगर मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए बात करी तो उसको बोलते हैं लेंथ रेशियो या फिर इसको बोलते हैं स्केल रेशियो। तो इट इज अ स्केल रेशियो फॉर यू, इट्स अ स्केल रेशियो, लेंथ रेशियो और स्केल रेशियो। उसके बाद कभी भी हम टर्बाइन में मॉडल और प्रोटोटाइप की जब एनालिसिस करते हैं तो चार चीजें सेम होती है। एक तो स्पेसिफिक स्पीड फॉर मॉडल और स्पेसिफिक स्पीड फॉर प्रोटोटाइप क्या होता है, सेम होता है। फिर हेड कोफिशियंट होता है एच अपॉन एन स्क्वायर डी स्क्वायर, दैट इज एच अपॉन एन स्क्वायर डी स्क्वायर फॉर मॉडल इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन एन स्क्वायर डी स्क्वायर फॉर प्रोटोटाइप। इस तरह से हमारे पास और भी फॉर्मूले हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया है ये सब चीजें, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व किया क्या आपने, या व्हाट शुड इज द मॉडल रनर स्पीड। सबसे पहले आपको पूछ रखा है हाइड्रो टर्बाइन इज रिक्वायर्ड टू डेवलप, इसका मतलब ये सारे प्रोटोटाइप का डाटा है। 25 MW एट 50 मीटर हेड, 50 मीटर हेड पे दे रखा है एंड 90 RPM रनर स्पीड। एंड लेबोरेटरी फैसिलिटी पे जो मॉडल पावर जनरेट करता है वो कितना है, 20 kW, और हेड कितना है यहाँ पर 5 मीटर। तो सबसे पहले पूछ रखा है मॉडल की रनर स्पीड क्या होगी माई डियर फ्रेंड। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, ठीक है। मॉडल की रनर स्पीड पूछ रहा है, पावर दे रखा है, हेड दे रखा है। तो सबसे पहली चीज लगाइए, स्पेसिफिक स्पीड फॉर मॉडल इक्वल टू होगा स्पेसिफिक स्पीड फॉर प्रोटोटाइप। और स्पेसिफिक स्पीड फॉर मॉडल क्या होता है, एन रूट पी एच की पावर 5/4 फॉर मॉडल इक्वल टू होगा एच एन रूट पी एच की पावर 5/4 फॉर प्रोटोटाइप। तो माय डियर फ्रेंड, मॉडल के लिए आपको एन दे रखा है कितना है 90, पावर आपका मेगा में दे रखा है, यहां पर हमें किलोवाट में रखना होता है, तो 25,000 किलोवाट आ जाएगा। अपॉन
हेड कितना दे रखा है यहाँ पर, 50 मीटर, तो 50 की पावर 5 बाई 4 इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे स्पीड कितना है अपना वो पता करना है, पावर कितना दे रखा है 20 किलोवाट, हेड कितना है 5 की पावर 5 बाई 4, तो यहाँ से एन आ जाएगा बेटा आपका, कितना आ रहा है एन बता दो पहले, या मॉडल एंड प्रोटोटाइप स्केल रेशियो कितना निकाल लिया, 1 बाई 10, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, 1 बाई 10, ऋषि कितना आ रहा बेटा एन, फाइव अपॉन 50 की पावर 5 बाई 4, ठीक है, 90 इंट या 1718.93, दैट इज एन, ओके वेरी गुड वेरी गुड, यही एन है, ओके एन आ गया, और स्केल रेशियो तुमने निकाल ही लिया होगा, स्केल रेशियो किसी एक को कर दो भाई, एच है हमारे पास एन है, एन आ गया एच वाले को ले लो, स्केल रेशियो आ जाएगा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एच आ गया एन वाले को ले लो भाई, एच आ गया ना हमारे पास एन वाले को, ये एच वाले को ले लो, एच अपॉन एन स्क्वायर डी स्क्वायर फॉर मॉडल इक्वल टू एच अपॉन एन स्क्वायर डी स्क्वायर फॉर प्रोटोटाइप, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो देखिए एच फॉर मॉडल अपॉन एच फॉर प्रोटोटाइप इनटू, इसको ऊपर ले जाएंगे, एन फॉर मॉडल का स्क्वायर, और डायमीटर को इधर ले जाओ, डी फॉर मेटल डी फॉर प्रोटोटाइप का स्क्वायर, तो यही क्या हो जाएगा, लेंथ रेशियो हो जाएगा, एच हमको निकाल लिया एन निकाल लिया, इसको निकाल लीजिए आंसर आ गया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन में जो कि बन सकता है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, 1/5 स्केल मॉडल, 1/5 स्केल मॉडल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप अब्सॉर्ब 20 किलोवाट व्हेन पंपिंग अगेंस्ट द टेस्ट हेड ऑफ 8 मीटर, इसका मतलब जो हमारा मॉडल है उस पर हेड कितना है 8 मीटर, एट इज बेस्ट स्पीड ऑफ 400 आरपीएम, बेस्ट स्पीड ऑफ 400 आरपीएम, इफ द एक्चुअल पंप वर्क्स अगेंस्ट 32 मीटर, इसका मतलब जो एक्चुअल पंप है उसके अंदर हेड, या नो 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 नो, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, फॉर अगेंस्ट फाइंड द स्पीड एंड पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर द एक्चुअल पंप डिटरमाइन आल्सो क्वांटिटीज ऑफ वाटर, सो या नो, अगर आपको पावर नहीं दिया सपोज, तो पावर का फॉर्मूला दिया, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी डब्ल्यू क्रिएशन, इसको लगाइए आपका पावर आ जाएगा, इसको लगाइए आपका पावर आ जाएगा, आपके पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी इनटू स्पेसिफिक वेट इनटू क्यू इनटू एच, तो इसको लगाएंगे तो आपको पावर का फॉर्मूला निकल आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी है, पावर का फॉर्मूला निकल आएगा, चलिए तो इट्स वेरी सिंपल, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे आप, देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप अब्सॉर्ब 20 1/5 स्केल मॉडल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप अब्सॉर्ब, तो मॉडल का पावर दे रखा है, मॉडल कितना पावर अब्सॉर्ब करता है 20 किलोवाट, स्केल रेशियो आपको एल आर दे रखा है कितना है 1/5, पंपिंग अगेंस्ट हेड ऑफ, इसका मतलब मॉडल का हेड दे रखा है 8 मीटर, एंड स्पीड जो बेस्ट स्पीड है कितना दे रखा है 400 आरपीएम, इफ द एक्चुअल पंप वर्क अगेंस्ट, इसका मतलब प्रोटोटाइप का आपको हेड दे रखा है 32, ओके एंड फाइंड द स्पीड एंड पावर रिक्वायर्ड ऑफ एक्चुअल पंप, सो माय डियर फ्रेंड नो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट, या फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट वट वी कैन डू टू फाइंड आउट द स्पीड और पावर, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम आप कर लीजिए, स्पेसिफिक स्पीड को बराबर करिए, स्पेसिफिक स्पीड फॉर मॉडल एंड स्पेसिफिक स्पीड फॉर प्रोटोटाइप मस्ट बी सेम, सो वैन यू पुट द वैल्यू ऑफ एन रूट पी एच की पावर 5/4, सिमिलरली एन रूट पी एच की पावर 5/4, बट इन दिस केस यू डोंट नो द स्पीड, यू डोंट नो द स्पीड एंड ऑल्सो यू डोंट नो द पावर, सो यू कैन नॉट गो थ्रू दिस फॉर्मूला बिकॉज यू ओनली नो द लेंथ रेशियो और दिस रेशियो, ओके सो नाउ वी गो थ्रू द फॉर्मूला ऑफ हेड वाला, ठीक है, तो एच अपॉन एन स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, एच अपॉन एन स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन एच अपॉन एन स्क्वायर डी स्क्वायर, तो माई डियर फ्रेंड देखिए यहां पर
ओके 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 या सो बेटा, पंप और टरबाइन सेम की होता है। देखो, आपने ये रट लिया होगा फॉर्मूला, बट मैं आपको बता देता हूँ कहानी क्या है। पावर का फॉर्मूला, पावर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डब्ल्यू क्यू एच। पावर इज प्रोपोर्शनल टू क्यू एच है ना। तो जब हम स्पेसिफिक स्पीड रखते हैं टरबाइन की, एच की पावर 5/4, तो इसमें पावर को अगर हम क्यू एच रख दें, ठीक है, तो एच की पावर 1/2 है, एच की पावर 1/2 है, यहाँ रूट क्यू बचेगा, एच की पावर 1/2 है, नीचे जाएगा, माइनस हो जाएगा 5/4, और ये हो जाएगा एच की पावर -1/2। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है? अरे एच की पावर 3/4, यस और नो? अरे एच की पावर 3/4, यस और नो? यस और नो? एच की पावर एन रूट क्यू, एच की पावर 3/4, यही आ रहा है, यही आ रहा है। अरे तो भैया, स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला पंप और टर्बाइन के लिए सेम होता है, ठीक है, बच्चे रट लेते हैं अलग से इसको। अरे भैया, कोई जरा अलग नहीं है, वो लगाऊंगा तो भी यही आएगा आंसर, ठीक है। बच्चे बोलते हैं पंप के लिए अलग है सर, कोई अलग नहीं है, यही है, समझे ऋषि? ओके, वो अलग अलग लगा देते हैं कई बार टीचर, पंप के लिए ये स्पेसिफिक स्पीड होती है, टर्बाइन के लिए, अरे दोनों के लिए एक ही होती है, बस वहां पर पावर की जगह क्यू आ जाता है, लग देते हैं नॉर्मल। एक बना हुआ है कि हाँ भाई, यहाँ पर डिस्चार्ज हम लोग रिजेक्ट करते हैं, इसलिए डिस्चार्ज लिख देते हैं। तो कोई जरूरत वाली बात नहीं है कि वो अलग अलग आएगा। तो हैड एन स्क्वायर डी स्क्वायर फॉर मॉडल एंड हैड अपॉन एन स्क्वायर डी स्क्वायर फॉर प्रोटोटाइप हो गया। तो देखिए, यहां पर अगर मुझे ये निकालना है कि व्हाट इज द स्पीड इन प्रोटोटाइप, सो व्हाट आई शुड डू, प्रोटोटाइप की स्पीड को इधर ले जाओ, एंड व्हाट इज ऑल अबाउट हेड फॉर प्रोटोटाइप अपॉन हेड फॉर मॉडल इनटू इनटू क्या होगा, डी फॉर मॉडल अपॉन डी फॉर प्रोटोटाइप का स्क्वायर इनटू हेड फॉर इनटू 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 वन अपॉन एन स्क्वायर फॉर, या फिर एन एम स्क्वायर फॉर मॉडल। सो नाउ व्हाट इज द प्रोटोटाइप, इससे स्पीड निकाल लो, एच पी अपॉन एच एम, डी एम अपॉन डी पी इंटू एन एम। सो माई डियर फ्रेंड, एच हेड कितना दे रखा है यहां पर, 8 मीटर, ये कितना दे रखा है, 32। तो 8/32 हो जाएगा। डायमीटर फॉर डायमीटर ऑफ मॉडल एंड डायमीटर फॉर प्रोटोटाइप का रेशियो कितना दे रखा है, 1/5, देखा तो 1/5 दे रखा। ओके, और स्पीड फॉर मॉडल क्या हमें क्वेश्चन में नहीं दी है, 400 दे रखी है। तो इससे क्या निकल आएगा, इससे स्पीड ऑफ प्रोटोटाइप निकल आएगा, इससे स्पीड ऑफ प्रोटोटाइप हमारा निकल आएगा। जैसे स्पीड ऑफ प्रोटोटाइप आया तो हमारा पावर इन प्रोटोटाइप भी आ जाएगा, क्योंकि अगर हम स्पेसिफिक स्पीड को बराबर कर रहे हैं, स्पेसिफिक स्पीड को बराबर कर रहे हैं एन रूट पी, या एच की पावर 5/4 कितना आ रहा है, 40। ओके, या 40 आ रहा है। तो फॉर मॉडल इक्वल टू किसके बराबर होगा, एन रूट पी एच की पावर 5/4 प्रोटोटाइप के बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत? तो यहां से हमारा स्पीड आ चुका है। सो मॉडल का स्पीड 400 है, रूट पी पावर हमको दे रखा है मॉडल में कितना है, 20 किलोवाट, यह है 20 किलोवाट। हेड मॉडल में कितना है आपको सबको पता है, 8/8 √5/4। एन कितना आ गया, 40 आ गया, रूट पी। एच कितना है, एच हमको दे रखा है 32, प्रोटोटाइप में हेड की एच कितना है, 32, हेड कितना है, 32। भाई क्या हो गया, हेड कितना है, 32।
क्या हो गया यार ये, कुछ लग रहा है टेक्निकल एरर सडनली, आई डोंट नो, फिर को इसको वापस बंद करना पड़ेगा एक बार। चलिए, सो आई होप आ गया ऋषि, ऋषि आ गया आपका, क्लियर है ऋषि? क्लियर है आप? स्पेसिफिक स्पीड कितना, वो पावर कितना है बेटा, पावर कितना आया बताना, पावर कितना आया ऋषि? क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। पावर कितना आया ऋषि बताइए बेटा, पावर कितना आया? यस, चलिए पावर नहीं निकाला, कोई बात नहीं, लास्ट वन कर लीजिए। ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, आईएएस का, इट इज अ आईएएस क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आईएएस क्वेश्चन 650, 640, ओके वेरी गुड बेटा, ये आईएएस का क्वेश्चन था यूपीएससी का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे हो रहा है, क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किलोवाट, वेरी गुड बेटा, क्वेश्चन है आईएएस का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम दिस टॉपिक, अ हाइड्रोलिक टर्बाइन इज टू डेवलप 10515 किलोवाट व्हेन रनिंग एट 120 आरपीएम। तो एक हाइड्रोलिक टर्बाइन है जो पावर डेवलप कर रहा है, कितना है, 1015 किलो वाट, कोई बात नहीं यहाँ पर, एंड रनिंग एट 120 आरपीएम, कितनी आरपीएम में रन कर रहा है, 120, अंडर अ हेड ऑफ हेड कितना दे रखा है, 12 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम फ्लो रेट एंड स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द फॉर द टर्बाइन इफ द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ बेस्ट ऑपरेटिंग पॉइंट इज 92%, ओवरऑल एफिशिएंसी 92% है। इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस अ 1/10 स्केल मॉडल इज टेस्टेड अंडर अ हेड ऑफ, इसका मतलब मॉडल की कंडीशन दे रखी है, मॉडल का हेड है यहाँ पर 7.2 मीटर, ठीक है। व्हाट वुड बी द स्पीड पावर आउटपुट एंड वाटर कंजप्शन ऑफ द मॉडल इफ इट रन अंडर द कंडीशन सिमिलर टू द प्रोटोटाइप। सो मॉडल में आपको क्या पूछा है, मॉडल का स्पीड क्या होगा, मॉडल का पावर क्या होगा, एंड वाटर कंजप्शन दैट इज मॉडल के अंदर डिस्चार्ज क्या होगा अगर वो टेस्ट किया था, और यहाँ पर एल आर दे रखा है, दैट इज स्केल रेशियो 1/10, इट्स अ ईएस क्वेश्चन, सो यू कैन सी दिस। नाउ माय डियर फ्रेंड, तीन पैरामीटर दे रखे हैं, पावर, हेड एंड डिस्चार्ज, सो फ्रॉम दिस थ्री पैरामीटर यू कैन फाइंड आउट द स्पेसिफिक स्पीड वेरी वेरी इजिली, फ्रॉम दिस थ्री पैरामीटर यू नो दैट यू कैन फाइंड आउट द स्पेसिफिक स्पीड माई डियर फ्रेंड्स। So now we are going to find out this specific speed, and you know that specific speed for model and specific speed for prototype will be same, and specific speed for model and specific speed for prototype will be same. So you can see here n root p h key power 5/4. So everything for model we know, but for prototype we don't know, for speed we don't know, and power so you know that when we don't know the speed, so we go through the relation h upon n square d square for model and is equal to h upon n square d square for prototype, you know that. So we have to go through this relation. So according to this relation we want to calculate the speed for model, so we go through this n model ka square, so okay, so d prototype upon d model ka square, so okay, that's also okay, and this head for model upon head for prototype, head for model and head for prototype, so n model is going to be diameter for prototype upon diameter for model into root of h for model upon h for prototype, you know that, and then you are going to solve this n. So nm is now you know that length scale ratio is 1/10, so it will be 10, and head ratio this is 7.2 model and this is 12, so 7.2 and 12, so you can solve this. तो n फॉर मॉडल आ गया होगा आपका, कितना आ रहा है, या सो इट इज गोइंग टू बी, मे बी इट इज गोइंग टू बी 7.2 अपॉन 12, सो इट इज गोइंग टू बी या इन टू 10, सो इट इज गोइंग टू बी 7.74, सो नाउ वी कैन से द आरपीएम ऑफ दिस इज 7.74, सो इट्स फर्स्ट into okay, don't forget, okay my dear, so we just did some small mistake here, I think we just missed something so when we take this
एनपी स्क्वायर इज ऑलवेज देयर, या डायमीटर फॉर प्रोटोटाइप अपॉन डायमीटर फॉर मॉडल का स्क्वायर इज देयर, एंड हेड फॉर मॉडल अपॉन हेड फॉर प्रोटोटाइप इज ऑल्सो देयर, एंड इट इज इक्वल टू एन एम स्क्वायर. सो या एन पी इक्वल टू या डी पी अपॉन डी एम या इंटू रूट ऑफ एच एम अपॉन एच पी इक्वल टू एन एम. नाउ इट्स ओके. सो स्पीड ऑफ प्रोटोटाइप इज 120, दिस रेशियो इज 10, एंड दिस रेशियो इज 7.2 इंटू अपॉन 12. नाउ इट्स गोइंग टू बी हैपन. तो स्पीड यू कैन कैलकुलेट 120 इंटू 10. तो इट इज स्पीड कमिंग एज 9 to 9.5 आरपीएम. ऋषि इज दैट ओके? अब सही है ना बेटा, चेक कर लीजिएगा सही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. इज दैट ओके? सो 9 to 9.5 आरपीएम इट इज अ स्पीड. यस, वेरी गुड. नाउ व्हेन वी पुट दिस स्पीड हेयर वी कैन कैलकुलेट द पावर. वी कैन कैलकुलेट द पावर या when we put this speed here we can calculate the power. We don't have to go through anything else. We can calculate the power. If we know the power, we have one more relation, nd cube, q upon nd cube. So we know the rpm, so we can find out the discharge also in case of model. So you know that it's very simple question. It was a 16 marks question from the IAS exam, and you can see that it's a very very simple question. Everything is very very crystal clear. Okay, you just have to put the values in this formula. So this type of question is very simple question. And civil services exam में IAS के अंदर बात करें, UPSC के अंदर और IAS में बहुत ज़्यादा question इस तरह के पूछे जाते हैं. बहुत ही simple questions हैं, but still they are asking a lot of question from this topic only. Okay, एक paper होता है civil services mains examination जिसमें mechanical engineering देके बच्चे paper देते हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं. एक आईएफएस का भी होता था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, उसके अंदर भी इसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. चलिए हो गया. तो इसलिए आई ऑलवेज एक्सपेक्ट कि गेट भी इसी तरह से क्वेश्चंस पूछेगा, इसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन वो कई बार पूछ लेता है, बट स्टिल डोंट हैव टू वरी. बस हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए और आराम से क्वेश्चन हो जाता है. कई बच्चे इसी में गलती करते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. यूनिट क्वांटिटी कंसेप्ट बेटा तब लगाना है जब आपको केवल हेड वेरी करे. केवल क्या वेरी करे? हेड वेरी करे. केवल क्या वेरी करे? हेड वेरी करे. डायमीटर वेरी नहीं करना चाहिए. डायमीटर वेरी नहीं करना चाहिए. टर्बाइन वही है. देखो एक मेजर डिफरेंस है मॉडल और प्रोटोटाइप और यूनिट क्वांटिटी. मॉडल एंड प्रोटोटाइप में क्या होता है, टर्बाइन अलग होता है. बड़ा टर्बाइन प्रोटोटाइप कहलाता है, छोटा टर्बाइन मॉडल कहलाता है. लेकिन जब हम यूनिट क्वांटिटी मानते हैं तो टर्बाइन वही होता है, हेड चेंज होता है केवल. तो अगर आपको टर्बाइन की डायमीटर चेंज कर दिया, टर्बाइन अलग दे दिया, तो फिर आप कौन सा कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते. तब आप यहां पर या तब यहां पर आप मॉडल और प्रोटोटाइप वाला कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते. रीजन, क्योंकि जब हम मॉडल एंड प्रोटोटाइप का कंसेप्ट यूज करते हैं तब टर्बाइन अलग अलग होते हैं. बड़ा टर्बाइन का छोटा मॉडल होता है, ठीक है. और जब हम यूनिट क्वांटिटीज की बात करते हैं तब हमारा टर्बाइन वही होता है, केवल उसके अंदर हेड वेरी कर रहा है. टर्बाइन वही है बट उसके अंदर क्या वेरी कर रहा है? हेड वेरी कर रहा है. और उसी टर्बाइन की हम यूनिट हेड पर परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं, ठीक है. तो टर्बाइन वेरी नहीं करता उसके अंदर. तो डायमीटर ऑफ टर्बाइन कैसे नहीं बोलेगा, इसका डायमीटर अलग हो गया, ऐसे कभी नहीं बोलेगा. अंडरस्टूड ऋषि? अंडरस्टूड ऋषि? अंडरस्टूड ऋषि? तो जब यूनिट क्वांटिटी हम लगाएंगे उस केस में हमारा टर्बाइन वेरी नहीं करेगा, सिमिलर साइड होगी और हेड वेरी करेगा केवल, टर्बाइन वहां पर वेरी नहीं करता. तो यूनिट क्वांटिटी का कंसेप्ट हमारा कैसे आया उस बात पर समझिए कि वहां पर यूनिट क्वांटिटी हमने तब निकाली थी जब हम सिमिलर टर्बाइन की परफॉर्मेंस निकाल रहे थे. एक सिंगल टर्बाइन की परफॉर्मेंस निकाल रहे थे अलग अलग हेड के अबाउट. तो यूनिट क्वांटिटी का कंसेप्ट हम तब लगाएंगे जब हम अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग हेड के अबाउट परफॉर्मेंस निकालेंगे ऑफ सिमिलर सेम टर्बाइन.
और हम मॉडल प्रोटोटाइप का कंसेप्ट निकालेंगे जब हम मॉडल और प्रोटोटाइप को कंपेयर करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ दिस पॉइंट। चलिए माय डियर, अब आते हैं आज के कंसेप्ट पर। आज का नया टॉपिक पंप, बहुत ही बच्चों को डाउट है, बट यस इट्स वेरी वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी ढंग से, पंप के अंदर हम दोनों पंप पढ़ेंगे, रेसिप्रोकेटिंग पंप भी कंप्लीट करेंगे और सेंट्रीफ्यूगल पंप भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं डियर्स। ठीक है, तो पंप के अंदर जो डिजाइनिंग है, एग्जैक्ट डिजाइनिंग जो होता है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, बिकॉज आई जस्ट मेक वेरी इंटरेक्टिव पीपीटी फॉर दिस पंप सेक्शन। डोंट वरी, आई डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू ओनली, सो डोंट वरी फॉर दिट। आई विल एक्सप्लेन एवरी थिंग इन वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर मैनर, सो डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। ओके, चलिए, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा यार। चल, सबसे पहले हम पंप के क्लासिफिकेशन पे जाएंगे, पंप होता क्या है। तो देखिए, हमारे पास दो तरह के पंप होते हैं। एक होता है रोटोडायनेमिक पंप, जहां पर हमारा रोटेशन का मोशन होता है, और यहां पर भी रोटेशन का हो सकता है। एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हम कब कहते हैं, जब हम यहां पर फ्लूड को एक कन्फाइंड वॉल्यूम में ट्रैप कर देते हैं, और फिर जब हम उस फ्लूड को कंप्रेस करें, दबा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंडीशंस कहते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमारा एक फ्लूड का मास एक स्मॉल चैम्बर में कन्फाइंड होता है, और उस कन्फाइंड मास को हम कंप्रेस कर रहे होते हैं, दबा रहे होते हैं। बट एज यू ऑल नो, लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूड, एंड दैट्स वाई वी कैन नॉट से वी आर कंप्रेसिंग अ लिक्विड्स, एंड दैट्स वाई वी हैव टू गिव अ सर्टेन नेम फॉर दिस प्रोसेस व्हेन वी पुटिंग द प्रेशर ऑन द लिक्विड सर्फेस, एंड दैट इज नोन एज पंपिंग ऑफ द लिक्विड। सो वी हैव अ टू टाइप ऑफ लिक्विड, टू टाइप ऑफ पंप। वन इज नोन एज रोटोडायनेमिक पंप, वेयर वी यूज आर रोटोडायनेमिक कंसेप्ट टू जनरेट अ हेड, अवले मोर हेड इन द फ्लूड, मोर हेड इन द फ्लूड्स। सो वी जस्ट इन दिस कंसेप्ट वी यूज डायनेमिक कंसेप्ट, फ्लूड डायनेमिक्स कंसेप्ट टू जनरेट अ पोटेंशियल हेड। इन दिस केस वी जस्ट कंप्रेस द वॉल्यूम ऑफ फ्लूड, वी जस्ट पुट द प्रेशर ऑन द कंफाइंड वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूड, एंड जस्ट वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर। सो वी हैव अ टू काइंड ऑफ पंप्स, वन इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड सेकेंड वन इज रोटोडायनेमिक पंप। सो नाउ कम टू द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। सो वी हैव अ टू टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड रोटरी पंप। एंड यू नो दैट रेसिप्रोकेटिंग पंप इज वेरी सिंपल, योर हैंड पंप इज रेसिप्रोकेटिंग पंप। जनरली वी यूज अ हैंड पंप इन पास्ट डेज, वी यूज हैंड पंप टू शक आउट वाटर फ्रॉम द वेल्स और टू शक आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। सो वी यूज हैंड पंप, एंड दैट हैंड पंप इज नथिंग बट अ रेसिप्रोकेटिंग पंप। एंड सेकेंड काइंड ऑफ रोटोडाइनमिक या रोटरी पंप ऑल्सो। सो दिस टाइप ऑफ पंप इज नोन एज गियर पंप, स्क्रू पंप, वेन्स पंप। दे ऑल्सो कन्फाइंड सर्टेन मास ऑफ द फ्लूड, एंड देन दे कंप्रेस दैट सर्टेन मास ऑफ फ्लूड, एंड देन दे पंप देन दे इंक्रीज द प्रेशर। सो दिस इज द रोटोडायनेमिक पंप। सो इन दिस टाइप ऑफ पंप वी हैव अ गियर पंप, स्क्रू पंप, वेन पंप। एंड इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप वी हैव अ पिस्टन पंप, जनरली प्लंजर पंप एंड डायफ्राम पंप। इट इज नॉट इन योर सिलेबस व्हाट टाइप ऑफ पंप वी हैव, वी आर टॉकिंग अबाउट, वी विल टॉक अबाउट ओनली सिंपल रेसिप्रोकेटिंग पंप। सो ये जो रोटरी पंप जो है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो ये इसको हम स्टडी नहीं करेंगे। जैसे गियर पंप होते हैं, स्क्रू पंप होते हैं, वेन्स पंप होते हैं, तो इनको हम स्टडी नहीं करेंगे। ये अलग अलग मशीन्स में यूज होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन यस, जेट पंप हम डिस्कस करेंगे, जो कि गांव में यूज होता है। जेट पंप आप लोगों ने देखा होगा, पानी से गांव में जेट पंप यूज होता है, या फिर आपने देखा होगा समरसिबल, आप लोग घर में यूज करते हो समरसिबल पंप, तो उसके बारे में बताऊंगा कि समरसिबल पंप क्या होता है। समरसिबल आप यूज करते हो घरों में पानी को शक करने के लिए, टंकी को भरने के लिए ऊपर, तो समरसिबल क्या होता है, जेट पंप कैसे वर्क करता है, उस सारे बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम पहले सबसे पहले बात करेंगे रोटोडायनेमिक पंप की, जहां पर हम फ्लूड डायनेमिक्स के कंसेप्ट यूज करते हैं और पोटेंशियल हेड को बढ़ाते हैं फ्लूड का, या फिर डेटम को बढ़ाते हैं फ्लूड का। तो इसके अंदर भी काफी सारे तरह के पंप होते हैं। अगर लो हेड पे काम करना है तो एक्सियल पंप, हाई हेड मेंटेन करना है तो सेंट्रीफ्यूगल पंप, मतलब मीडियम हेड, और बहुत हाई हेड मेंटेन करना है तो सेंट्रीफ्यूगल पंप फॉर रेडियल टाइप।
तो तीन तरह के पंप होते हैं, एक्सियल पंप जिसके अंदर फ्लो एक्सियल ही होता है, तो इस तरह के पंप जैसे कैपलेन टर्बाइन होते हैं उससे कंपेयर किए जाते हैं। मिक्स फ्लो टाइप ऑफ पंप किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग? फ्रांसिस टर्बाइन से। सेंट्रीफ्यूगल पंप हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? रेडियल। किससे कंपेयर करेंगे? सेंट्रीफ्यूगल पंप रेडियल टाइप। देखो फ्रांसिस टर्बाइन भी दो तरह के फ्रांसिस टर्बाइन थे, एक तो मिक्स फ्लो टाइप फ्रांसिस टर्बाइन होता है और एक रेडियल फ्लो फ्रांसिस टर्बाइन होता है, जहां पर इनलेट और आउटलेट दोनों रेडियल होता है। तो हम उस तरह के फ्रांसिस टर्बाइन की बात करें जहां पर इनलेट और आउटलेट दोनों ही रेडियल हो रहा है। और मैंने आपको बताया था फ्रांसिस टर्बाइन में जब रेडियल इनलेट एंड रेडियल आउटलेट होता है तो वेलोसिटी ट्रायंगल कैसा होता है। तो भाई साहब दो तरह के बेसिकली फ्रांसिस टर्बाइन होते हैं, एक होता है मिक्स फ्लो जहां पर एक्चुअली इन होता है और रेडियली आउट होता है, और एक होता है जिसमें रेडियली इन होता है रेडियली आउट होता है। तो देखेंगे हम आगे जैसे जैसे समझेंगे कैसे ये काम करते हैं। सो आई थिंक यहां तक आपका सब क्लियर है। नाउ वी टॉक अबाउट सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जब भी आप देखोगे तो उनके साथ एक मोटर जुड़ी हुई होती है, ये मोटर है, मोटर का पार्ट होता है, और उसके बाद ये जो पंप आपको दिख रहा है ये है सेंट्रिफ्यूगल पंप। इतना जो हाफ होता है ये होता है सेंट्रिफ्यूगल पंप। तो हमारे घरों में पंप को हम मोटर ही कह देते हैं क्योंकि ये मोटर के साथ कपल होती है, इसलिए इसको सेंट्रिफ्यूगल पंप कह देते हैं। देखिए इसको कई बार आपने देखा होगा घर में, आप जब यूज करते हो तो आप बोलते हो मोटर मोटर चला दे, घर में पानी को चढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं? मोटर चला दे। भाई चला तो मोटर ही रहेगी, तो प्रैक्टिकली भाई थ्योरिटिकली तो बात सही है, चलाओगे तो आप मोटर ही ना, स्विच ऑन तो मोटर करोगे, लेकिन मोटर से जो पंप लगा हुआ है वो पानी को हाई हेड तक पहुंचाएगा। तो यहां पर क्या होता है, मोटर और पंप एक ही शाफ्ट पर कपल होते हैं, तो जितने भी पंप आपने देखे इसी तरह से कपल्ड वो होते हैं मोटर के साथ। ठीक है, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का? अब देखो ये वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, देखिए आपने घर में गिलास लिया, ठीक है, गिलास में शिकंजी बनानी है, शिकंजी बनाने के लिए आपने क्या किया, उसमें चम्मच हिलाया तेजी से, और चम्मच हिलाया तो आपने देखा कि गिलास में जो पानी है वो ऐसे राइज होने लगा, जो फ्लूड है वो राइज होने लगता है। जो चम्मच हिलाते हैं तो जो गिलास में फ्लूड है वो ऐसे राइज होने लगता है, ठीक है, उसका जेड बढ़ने लगता है, पोटेंशियल हेड बनने लगे। जितना ज्यादा आप इसको रोटेट करोगे उतना ही ज्यादा हेड बढ़ता जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इस कंटेनर को बहुत तेजी से रोटेट करें और यहां पर सेंटर पे लगातार फ्लूड को सप्लाई करते रहें, तो फिर ये जो फ्लूड है वो बहुत ज्यादा हाइट तक राइज कर सकता है, और वो कितनी हाइट तक राइज करेगा वो उसके आरपीएम पे डिपेंड करेगी। तो यहां पर फ्लूड का पोटेंशियल हेड बढ़ाना या फ्लूड का डेटम बढ़ाना किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है फोर्स वर्टेक्स मोशन पे। यहां पर जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है सेंट्रिफ्यूगल पंप का वो होता है फोर्स वर्टेक्स मोशन। तो यहां पर आप देख लीजिए, व्हेन अ सर्टेन मास ऑफ लिक्विड इज मेड टू रोटेट बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो कि फोर्स वर्टेक्स मोशन, इट इज थ्रोज अवे फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंट्रिफ्यूगल हेड इज इम्पार्ट, ओके, विच इनेबल इज टू राइज टू अ हायर लेवल, जो कि इसको हायर लेवल की तरफ राइज करता है। नाउ इफ मोर लिक्विड इज कॉन्स्टेंटली मेड अवेलेबल एट द सेंटर ऑफ द रोटेशन, ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ लिक्विड एट हायर लेवल में बी इंश्योर्ड। अगर हम कंटिन्यूअसली सेंटर पर और फ्लूड डालते रहे तो लेवल राइज होता जाएगा और हम हायर हाइट पर इस फ्लूड को पहुंचा देंगे। यस और नो, ऋषि बात समझ में आई या नहीं आई? तो यहां पर जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं टू राइज द हेड ऑफ वाटर, टू राइज द हाइट ऑफ वाटर, दैट कंसेप्ट इज नथिंग बट इज नोन एज फोर्स वर्टेक्स मोशन। हम कंटेनर को जो हमारी मोटर है वो मोटर से क्या करती है, जो इंपीलर ब्लेड से पंप की उसको बहुत तेजी से रोटेट करती है, और जब उसको बहुत तेजी से रोटेट करेगी तो उसके साथ पानी भी बहुत तेजी से रोटेट होगा, और जब पानी बहुत तेजी से रोटेट होगा तो उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा, और वो फोर्स क्या करता है, वो फोर्स पानी की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, उसके हाइट को राइज कर देता है, क्योंकि अगर हम उसको बाहर नहीं जाने देंगे तो फिर वो पोटेंशियल हाइट को इंक्रीज करेगा। अब जो रोटोडायनेमिक पंप होते हैं उनको हम दो तीन तरह से डिपेंड करते हैं।
रोटोडायनेमिक पंप, जैसे कि आपने बोला था सेंट्रीफ्यूगल पंप, हम लोग किसकी बात करेंगे? केवल सेंट्रीफ्यूगल पंप की। स्क्रू पंप वगैरह के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर रोटोडायनेमिक पंप जो रोटेट करते हैं उनके हिसाब से पंप क्या होता है, एक तो सेंट्रीफ्यूगल होता है, एक्सियल प्रोपेलर पंप्स होते हैं, और एक मिक्स फ्लो पंप होते हैं, जनरली तीन तरह के होते हैं। अब हम आते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारे पास तीन तरह के, एक तो रेडियल फ्लो पंप जिसको हम रेडियल फ्रांसिस टर्बाइन कहेंगे, और एक होता है एक्सियल फ्लो पंप जिसको हम कैपलेन टर्बाइन का इन्वर्स कहते हैं, और एक होता है मिक्स फ्लो पंप जिसको हम मिक्स फ्लो फ्रांसिस टर्बाइन का इन्वर्स कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारे पास तीन तरह के होते हैं। अब एडवांटेज क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में? सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये मिलता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जब हम यूज करते हैं तो हमें डिस्चार्ज ज्यादा मिलता है। क्या ज्यादा मिलता है? डिस्चार्ज ज्यादा मिलता है। सो व्हेन वी यूज अ सेंट्रीफ्यूगल पंप वी कैन फाइंड वेरी हाई डिस्चार्ज। लेकिन अगर हम रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करते हैं तो आपने घरों में देखा होगा जो आपने घरों में देखा होगा जो हैडपंप से पानी आता है वो बहुत कम कम आता है, जबकि जो मोटर से या फिर हम जब सेंट्रीफ्यूगल पंप चलाते हैं जो पानी आता है बहुत तेज आता है, बहुत ज्यादा आता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो हेड मिलता है वो बहुत हाई हेड मिलता है हमको, सॉरी बहुत हाई डिस्चार्ज मिलता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका हाई डिस्चार्ज का। दूसरा जो इसका एडवांटेज वो ये है कि जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं तो हम किसी भी तरह के फ्लूड को पंप कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी विस्कस क्यों ना हो, कितने भी उसके अंदर कंकड़ पत्थर ना हो, कितना भी मड़ी क्यों ना हो। तो देखा होगा आपने कि जो सीवरेज का पानी है टैंक से जब निकालना होता है तो वहां पर भी सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं। पेपर पल्प, कागज की लुगदी, शुगर मोलास, ऑयल्स, बहुत हैवी हैवी ऑयल, तो यहाँ पर जो ऑयल की वेल से जो ऑयल निकालने के लिए पंप यूज होता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज होता है। कीचड़ वगैरह को भी अगर आप निकालने के लिए पंप यूज करते हैं तो वो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। कई बार देखा होगा आपने वो गड्ढे खोद के कीचड़ वीचड़ निकालते हैं नाले से, तो वहां पर जो पंप यूज होता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, क्योंकि इसका एडवांटेज ये है कि इसके अंदर किसी भी बहुत हाई विस्कस फ्लूड या डिब्रीज के साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर है उसको भी ये पंप आराम से कर सकता है। लेकिन अगर हम रेसिप्रोकेटिंग की बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में अगर मान लीजिए आपने शहद फ्लो करा दिया, क्या करा दिया? शहद फ्लो करा दिया, तो भैया वो तो पाइप में फ्लो ही नहीं करा पाएगा ढंग से, ठीक है। तो जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं वो हाई विस्कस फ्लूड को पंप नहीं कर पाते। हाई विस्कस फ्लूड इसके पिस्टन पर ही चिपक जाएगा या इसकी वॉल पे चिपक जाएगा, तो ये इसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे, ये इसके पाइप पर ही चिपक जाता है। जबकि सेंट्रीफ्यूगल पंप बहुत हाई विस्कस फ्लूड और बहुत डिब्रीज के साथ जो फ्लूड है उसको भी पंप कर देते हैं। अगर सपोज यहाँ पर कंकड़ पत्थर इसके अंदर आ गए तो ये तो आपके वॉल को ही जाम कर देंगे या इसके सिलेंडर की वॉल को ही तोड़ देंगे, तो फिर हम लोग उस तरह के फ्लूड को पंप नहीं कर पाते। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में, सॉरी रेसिप्रोकेटिंग पंप केवल और केवल उन फ्लूड्स के लिए यूज होता है जिनकी विस्कोसिटी कम है, बहुत ज्यादा कम है उसके लिए भी नहीं, जिनकी विस्कोसिटी कम है। लेकिन जिस फ्लूड की विस्कोसिटी बहुत हाई है, जिनके अंदर डिब्रीज है, इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा है, तो फिर उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज नहीं कर सकते, सॉरी रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एडवांटेज ये है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन बी ऑपरेटेड वेरी हाई स्पीड विदाउट एनी डेंजर ऑफ सेपरेशन एंड कैविटेशन। बहुत हाई स्पीड से ये वर्क कर सकता है बट विदाउट एनी सेपरेशन एंड कैविटेशन। लेकिन आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर कैविटेशन तो रिलेटेड सर सेंट्रीफ्यूगल पंप से ही है, ये कौन से कैविटेशन की बात कर रहा है? ये वो कैविटेशन की बात कर रहा है जो पंप के अंदर बनता है, वो जो कैविटेशन है वो पंप के इनलेट पर बनता है, ठीक है। ये आरपीएम की बात कर रहा है, पंप की हाई आरपीएम से भाई जो वो कैविटेशन बनता है, कैविटी बबल जो बनते हैं वो पंप के इनलेट पर बनते हैं। और वो किस वजह से बनते हैं? जब हम बहुत लोअर लोअर सक्शन हेड रखते हैं। लेकिन ये उसकी बात नहीं कर रहा है, यहां पर ये बात कर रहा है कि पंप के रोटेशन की वजह से जो कैविटी बबल बनेंगे वो यहां पर नहीं बनते। अब आप पूछोगे सर ऐसा कहाँ होता है? तो बेटा ऐसा होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप में। कई बच्चे गलत समझ जाते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग पंप में कैविटेशन नहीं होता। बेटा रेसिप्रोकेटिंग पंप में भी कैविटेशन होता है। जब यहां पर पिस्टन बहुत हाई स्पीड से नीचे जाएगा, बहुत हाई स्पीड से नीचे जाएगा, तब तक यहां पर फ्लूड एंटर ही नहीं करेगा, तो अंदर जो सिलेंडर के है वो बहुत हाई वैक्यूम बन जाता है। अगर पिस्टन का मूव करने का वेलोसिटी बहुत ज्यादा हुआ
तो पिस्टन नीचे चला जाता है बहुत हाई वेलोसिटी से, और जब पिस्टन बहुत हाई वेलोसिटी से नीचे जाएगा तो इस सिलेंडर के अंदर बहुत बहुत लो प्रेशर बनता है, और उस लो प्रेशर की वजह से अंदर कैविटी बबल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां पर स्पीड की वजह से कैविटेशन होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप में, और यहां पर सक्शन हेड लोअर होने की वजह से कैविटेशन बनता है एट द इनलेट। ठीक है, यहां पर रोटेशन की वजह से कैविटेशन नहीं बनता। तो इतना बात ध्यान रखना, किसकी बात कर रहा है, ये रोटेशन की बात कर रहा है बेटा। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन बी ऑपरेट एट वेरी हाई स्पीड विदाउट एनी डेंजर ऑफ सेपरेशन एंड कैविटेशन, बट रेसिप्रोकेटिंग पंप कैन रन एट लो स्पीड। इनकी स्पीड को बढ़ाया नहीं जा सकता बिकॉज हाई स्पीड प्रॉब्लम ऑफ कैविटेशन एंड फ्लो सेपरेशन। सो यू कैन सी दैट कैविटेशन कैन अकर इन द रेसिप्रोकेटिंग पंप ऑल्सो। एंड लास्ट इज मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम होता है, बहुत आराम से चलते हैं, रफ एंड टफ चलते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो आप देख सकते हो कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो आपको कैसा दिख रहा है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो ब्लेड्स है, ठीक है, इन ब्लेड्स को बोलते हैं हम इंपीलर ब्लेड्स। देखिए टर्बाइन की ब्लेड्स को हम कहते हैं, या टर्बाइन की ब्लेड्स को हम कहते हैं रनर ब्लेड, जबकि पंप की ब्लेड को हम कहते हैं इंपीलर ब्लेड। ठीक है, ये बस डिनोशन है। टर्बाइन की ब्लेड को रनर कहते हैं और पंप की ब्लेड को हम इंपीलर ब्लेड्स कहते हैं। ठीक है, यहां पर ये शाफ्ट लगी हुई है, ड्राइव शाफ्ट। ठीक है, ये इसकी आई होती है जहां से पानी एंटर करेगा, जहां से फ्लूड एंटर करता है वो आई होती है। ये जो केसिंग आपको आसपास दिख रही है इसको वॉल्यूट या वायर स्क्रॉल केसिंग कहते हैं, इसको वॉल्यूट चैम्बर भी कहते हैं। ओके, और ये पूरा इंपीलर चैम्बर यहां पर रखा हुआ है। यहां आई से आपका सक्शन होता है, यहां से फ्लूड एंटर करता है, तो फ्लूड ऐसे सामने से आता है, ऐसे ऐसे सामने से आएगा और फिर ऐसे अंदर पाइप फैल जाएगा, तो सेंटर से आएगा, एक्सिस की तरफ से आएगा, मतलब शाफ्ट की तरफ से फ्लूड आता है और पंप आपका ऐसे घूम रहा है, पंप आपका ऐसे घूम रहा है और आपका फ्लूड इधर से आ रहा है। ठीक है, और इस आई की साइड से आता है और फिर ऐसे फैल जाता है। या तो इसके अंदर क्या होता है, एक्सियल इन और रेडियल क्या होगा यहां पर, आउट। वेरी गुड बेटा, एक्सियल इन और रेडियल आउट। तो ऐसे आएगा सामने से एंड ऐसे सर्कुलेट हो जाएगा, पूरा फ्लूड अंदर फैल जाएगा पूरे पेरिफेरी इंपीलर ब्लेड्स पर। तो इसमें एक्सियल इन होता है और रेडियल आउट होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चल सो आप देख सकते हैं यहां पर फ्लूड, जैसे मैंने बता रखा है आपको, यहां पर एरो के डायग्राम से आपको दिख रहा होगा कि यहां से सक्शन होता है, इस तरफ से एक्सियल डायरेक्शन से सक्शन होता है और फिर रेडियली वो ऐसे फैल जाता है पूरे इंपीलर ब्लेड्स पर। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होता है। यहां पर एंटर यहां से सक्शन साइड से कर रहा है और फिर इसमें फैल जा रहा है और फिर ये डिस्चार्ज जो है इसमें से निकल के डिस्चार्ज ये बाहर जाता है। अब अगर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के कंपोनेंट की बात करें तो एक तो हमको इंपीलर दिख रहा है, इंपीलर ब्लेड जो ब्लेड पार्ट है, दूसरा इसको आसपास की जो केसिंग है जिसके अंदर ये रखा हुआ, एक तो सक्शन पाइप होगा और डिलीवरी पाइप होगा, भाई जहां से पानी खींचेंगे। देखिए ये हमारा पंप है मान लो, तो पानी किसी ना किसी टैंक वगैरह से तो खींचेंगे ना, कुएं से, टैंक से। ठीक है, तो जहां से पानी खींचते हैं उसको सक्शन कहते हैं और जहां पानी डिलीवर करेंगे उसको डिलीवरी पाइप कहेंगे। तो जैसे आपके घरों की टंकी है, यहां पर लगा हुआ पंप, तो मान लीजिए कई 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 घरों में क्या होता है, टंकी में पानी स्टोर होता है, तो यहां से पानी खींचेगा और यहां पर हम लोग भेजेंगे, या फिर ग्राउंड लेवल से पानी खींचता है, यहां से पानी खींचेगा और यहां पर हम भेजेंगे। तो ये जो पाइप है यहां से लेके यहां तक पूरा पंप तक, इसको कहेंगे सक्शन पाइप। और यहां से लेके यहां तक जो पूरा है इसको बोलते हैं सक्शन डिलीवरी पाइप। ठीक है, और ये जो हेड होता है यहां पर, अब ये पंप का सेंटर लाइन खींच दी, तो पानी आप कहां से खींच रहे हैं, इस कुएं से खींच रहे हैं, तो यहां से यहां तक जो हेड होता है इसको बोलते हैं सक्शन हेड। कौन सा हेड बोलते हैं, सक्शन हेड। और जहां पर पानी को डिस्चार्ज करेंगे, जहां पर भेजेंगे, उसको बोलते हैं हम डिलीवरी हेड।
इसको बोलेंगे डिलीवरी हेड, दैट इज सक्शन हेड, दैट इज डिलीवरी हेड। चल यहां तक क्लियर है? ओके ऋषि, यहां तक क्लियर बेटा? चलिए अब देखिए, जो हमारी केसिंग है उसके हिसाब से, जो इंपीलियर जो आसपास लगी हुई है केसिंग, उसके हिसाब से तीन या चार, इंपीलियर मतलब केसिंग की ही बात कर रहा है, उसके हिसाब से तीन तरह के पंप होते हैं। एक होता है क्लोज्ड और श्रॉडेड इंपीलियर, एक होता है सेमी ओपन, एक होता है ओपन इंपीलियर। मैं तीनों का डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, देखिए यह है क्लोज और श्राउडेड इंपीलियर, यह है आपका सेमी ओपन और यह है ओपन। अब इन तीनों के अंदर क्या फर्क है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। तीनों आपको आराम से दिख रहे हैं, यह कहलाता है क्लोज और श्राउडेड इंपीलियर, यह आपका सेमी ओपन, एक तरफ प्लेट है, एक तरफ से खुला हुआ है, एक तरफ से बंद है, और ये दोनों तरफ से खुला हुआ है, तो इसको ओपन इंपीलियर कहेंगे। श्राउडेड मतलब ये जो क्राउन प्लेट आप देख रहे हो, दोनों तरफ से बंद करने के लिए जो प्लेट हमने लगा रखी है ना, इसे श्राउड कहते हैं, और इसीलिए इसको श्राउडेड इंपीलियर भी कहते हैं। ठीक है, श्राउडेड इंपीलियर टाइप प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह की इंपीलियर कंडीशन होती है, एक तो ये वाली क्लोज वाली, और एक सेमी ओपन, एक तरफ से क्लोज है, एक तरफ से ओपन, और दोनों तरफ से ओपन है। अब इसके अंदर क्या क्या फर्क पड़ता है, अगर हम बनाते हैं क्लोज और श्राउडेड इंपीलर, तो क्या है, दोनों तरफ से मेटल प्लेट से हमने कवर कर दिया। ठीक है, और दिस प्लेट और श्राउड्स आर नोन एज क्राउन प्लेट, इन्हीं को क्राउन प्लेट भी कहते हैं। तो नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से हमने इसको बंद कर दिया। तो ये जो क्लोज इंपीलर ब्लेड्स है, इट्स मोर सूटेबल व्हेन लिक्विड टू बी पंप्ड इज प्योरली कंप्लीटली फ्री ऑफ डिब्रीज। अगर कोई कंकड़ पत्थर उसके अंदर नहीं है, डिब्रीज नहीं है, ठीक है, तब हम इस तरह का इंपीलर यूज करते हैं। क्योंकि अगर कंकड़ पत्थर हुआ, डिब्रीज हुआ, तो वो इसके अंदर फंस जाएंगे। ठीक है, इस श्राउड के अंदर फंस जाएंगे, प्लेट के अंदर फंस जाएंगे, या प्लेट को ब्रेक कर देंगे, या प्लेट से बहुत ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे, प्लेट को ब्रेक करने का काम करेंगे। ठीक है, दूसरा होता है सेमी ओपन। अगर डिब्रीज बहुत स्मॉल अमाउंट में है, जैसे छोटी मोटी इंप्योरिटी है, छोटे मोटी डिब्रीज है, ठीक है, छोटे मोटे धूल मिट्टी के कण है बस, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास का पानी, उसमें अंदर तुमने धूल मिला दी, क्या मिला दी, धूल मिट्टी मिला दी, छोटे मोटे धूल मिट्टी के कण कितने बड़े होंगे, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते। उस कंडीशन में हम इसको यूज करेंगे सेमी ओपन, डिब्रीज है लेकिन ज्यादा डिब्रीज नहीं है। और अगर तीसरी कंडीशन, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में डिब्रीज, जैसे कि अब मान लो पानी के अंदर कॉन्क्रीट मिला रखी, कॉन्क्रीट को तुम्हें मान लीजिए एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पंप करना है कॉन्क्रीट, अब डिब्रीज भी क्या है, बहुत ज्यादा है, कॉन्क्रीट जो मिक्सर होता है ना, सीमेंट कॉन्क्रीट रेत वगैरह का मिक्सर, उसको एक जगह से तुम्हें दूसरी जगह पंप करना है मान लो, तो उसको पंप करने के लिए तुम जो यूज करोगे वो इंपीलर, ओपन इंपीलर होगा। तो हमारा जो सिवरेज का पानी है उसको बाहर निकालने के लिए जो हम यूज करते हैं वो सेमी ओपन होगा, और जब हमारे कॉन्क्रीट वगैरह को पंप करके हमें दूसरी तीसरी मंजिल पर पहुंचाना होगा तो ओपन इंपीलर कई बार हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि देखो दोनों तरफ अगर बंद करके रखेंगे तो वहां से जो कंकड़ पत्थर है वो उसमें जमा हो जाएंगे, और वो जो आपकी प्लेट से उसको तोड़ देंगे, खराब कर देंगे। ठीक है, तो दोनों तरह की कंडीशंस है, तीन तरह के हमारे पास इंपीलर होते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, क्लोज इंपीलर या श्राउडेड इंपीलर का मतलब क्या है, सेमी ओपन का मतलब क्या है, ओपन का मतलब क्या है। क्लियर है यहां तक? आई थिंक विजुलाइजेशन इज परफेक्ट। ओके, अब ये तो आपने हो गया, जो आसपास जो कवर प्लेट लगाते हैं उसके हिसाब से हमने पंप पड़ेगा। अब तीसरा होता है जो पंप की डिजाइन होती है, इसकी जो ये केसिंग आप देख रहे हो, इनको बोलते हैं इंपेलर केसिंग। इसके हिसाब से भी हमारे पास तीन तरह के पंप होते हैं, तीन तरह के भी पंप होते हैं।
वो तीन तरह के पंप क्या होते हैं, एक होता है वोल्यूट केसिंग पंप, एक होता है वॉर्टेक्स केसिंग पंप, एक होता है डिफ्यूजर रिंग केसिंग पंप। अब मैं तीनों तरह के पंप को एग्जैक्टली समझा दूंगा कि क्या होता है। एक होता है वोल्यूट केसिंग, वोर्टेक्स केसिंग एंड डिफ्यूजर। किसके हिसाब से? केसिंग के हिसाब से। केसिंग मतलब जहां से पानी बाहर निकलेगा उसके हिसाब से। तो देखिए तीन तरह के हमारे पास पंप है। सबसे पहले बात करते हैं वोल्यूट केसिंग पंप की। तो वोल्यूट केसिंग पंप कैसा होता है दिखाता हूं मैं। ये दिख रहा है आपको वोल्यूट केसिंग पंप, और अगर देखना है वोल्यूट केसिंग पंप तो ये आपने जो देखा था इससे पहले वाला, ये वोल्यूट केसिंग पंप है। ये जो केसिंग है वोल्यूट केसिंग, और इस वोल्यूट केसिंग में आपको एक चीज तो दिख रही होगी कि ये जो केसिंग है इसका एरिया धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। इसका एरिया धीरे धीरे यहां पर बढ़ता चला जा रहा है। सो इसको बोलते हैं वोल्यूट केसिंग। तो यहां पर आप देख सकते हो कि धीरे 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 एरिया बढ़ता चला जा रहा है। सो वोल्यूट केसिंग की खास बात ये होती है कि इसके चारों ओर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे हमारा जो पंप रोटेट करेगा तो डिस्चार्ज ऐसे भेजता जाएगा, तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हमारा डिस्चार्ज बढ़ता चला जाएगा, डिस्चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे डिस्चार्ज हमारा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि पंप से फ्लूड आएगा और इस केसिंग में आता जाएगा आता जाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे फ्लूड बढ़ता है तो डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होती है। तो अगर डिस्चार्ज बढ़ रहा है तो फिर हमें यहाँ पर एरिया भी इंक्रीज करते हैं, जिससे कि वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो ये जो केसिंग होती है ये हम लोगों ने पढ़ी है, पहले भी पढ़ी है, ठीक है, पहले भी पढ़ी है आप लोगों ने फ्रांसिस टर्बाइन में। तो उसी तरह की एक केसिंग है, और यहां पर भी उसका वही पर्पस है कि वेलोसिटी को थ्रू आउट द पेरिफेरी हमें कांस्टेंट रखना है, इस वजह से हम इसको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे सर अगर वेलोसिटी थ्रू आउट द पेरिफेरी कांस्टेंट नहीं हुई तो क्या होगा। सवाल आना चाहिए कि सर वेलोसिटी थ्रू आउट द पेरिफेरी कांस्टेंट नहीं हुई तो क्या होगा। भैया फिर यहां पर जो फ्लूड का फ्लो होता है ना वो टर्बुलेंट हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है, और टर्बुलेंट फ्लो की वजह से क्या होगा, लॉस बढ़ जाएंगे। और अगर लॉस बढ़ेंगे तो हम जितना हेड यहां पर चाह रहे थे, मान लीजिए हम चाह रहे थे कि 30 मीटर हमको डिलीवरी हेड मिल जाए, लेकिन वो 30 मीटर नहीं मिलेगा, वो 25 मीटर ही मिलेगा। चाहे आपका पंप सेम पावर सप्लाई क्यों या सेम आरपीएम से रोटेट क्यों नहीं रहा हो, नहीं हो रहा हो। समझ में आई बात। सो माय डियर फ्रेंड यहां पर क्या होता है, यहां पर ये होता है कि अगर हमारा फ्लो टर्बुलेंट हो गया, इसलिए हम ये चाहेंगे कि पूरी पेरिफेरी पे वेलोसिटी सेम हो, फ्लो यूनिफॉर्मली मूव करे, लॉसेस उसमें ना हो। क्योंकि जितना ज्यादा लॉसेस होंगे बेटा उतना ज्यादा तुम्हारे चांसेस हैं कि हाइट ज्यादा राइज नहीं हो पाए, इतना ज्यादा चांसेस है कि हाइट ज्यादा राइज नहीं हो पाए। और अगर हाइट ज्यादा राइज नहीं हो पाया तो फिर यही तो काम है हमारे पंप का। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि पूरी पेरिफेरी पे जो है वेलोसिटी कांस्टेंट है, और उसके लिए इस तरह की स्पाइरल केसिंग बनाती हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है स्पाइरल केसिंग, वो ये है कि वेलोसिटी तो तुमने कांस्टेंट रख ली, लेकिन ये जो वेलोसिटी जा रही है, वेलोसिटी आ रही है, ये तुम्हारे लिए क्या है, लॉस है। क्योंकि तुम्हें पंप में वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करना, तुम्हारा काम वेलोसिटी इंक्रीज करना नहीं है, तुम्हारा काम हेड इंक्रीज करना है। तो सपोज तुमने फ्लूड को ई एनर्जी सप्लाई करी और उसमें कुछ पार्ट वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया और कुछ पार्ट हेड में कन्वर्ट हो गया, तो जितना ज्यादा वेलोसिटी एनर्जी तुम्हारे पास होगी, जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी एट द एग्जिट, उतना ही तुम्हारा हेड कम राइज होगा। और जितना कम हेड राइज हुआ तुम्हारे लिए तो वो तो लॉस ही है ना यार, क्योंकि तुम्हारा काम यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज करना थोड़ी था। तो तुमने अगर फ्लूड को एनर्जी इंपार्ट की और वो उसका कुछ पोर्शन वेलोसिटी में चला गया और कुछ पोर्शन हेड राइज करने में चला गया, तो जितना पोर्शन ज्यादा वेलोसिटी हेड बनेगा उतना ही तुम्हारा जो पोटेंशियल हेड राइज है वो कम हो जाएगा। तो अगर वो पोटेंशियल हेड राइज तुम्हारा कम हो रहा है और वेलोसिटी हेड तुम्हारा ज्यादा बन रहा है तो वेलोसिटी तुम्हारे लिए क्या है, लॉस है भैया। इससे पंप की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि पंप का काम क्या है, पंप का काम है हेड को इंक्रीज करना। तो अगर हेड कम जाता है तो हमारी एफिशिएंसी कम हो जानी है। पंप का काम क्या हैड को इंक्रीज करना, और हेड कम जाएगा तो हमारी एफिशिएंसी यहां पर कम हो जाएगी। दैट इज द पॉइंट। यहां तक बात समझ में आई या नहीं है?
तो यहां वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म हो जाती है, लेकिन हेड यहां पर क्या होता है, या वेलोसिटी लॉस बढ़ जाते हैं, तो लॉस एट एग्जिट इज मोर, लॉस एट एग्जिट इज मोर मोर एज काइनेटिक एनर्जी। तो फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है भाई, सज्जन साइंटिस्ट है, जे थॉम्सन, जे थॉम्सन, जे थॉम्सन ने मॉडिफाई किया किसको, वॉल्यूट पंप को। जे थॉम्सन ने इस वॉल्यूट पंप को मॉडिफाई किया, और उन्होंने क्या किया, ठीक है, इस वॉल्यूट केसिंग में जाने से पहले एक यहां पर वर्टेक्स केसिंग बना दी, और ये वर्टेक्स केसिंग कुछ नहीं, एक कोएक्सियल सिलेंडर बना दिया यहां पर। सिंपल सी बात है, एक सिलेंडर यहां पर ऑलरेडी बना दिया, मतलब वॉल्यूट केसिंग में जाने से पहले यहां पर एक वर्टेक्स चेंबर इन्होंने बना दिया, इसको नाम दिया वर्टेक्स चेंबर, इसको बोल दिया वर्टेक्स चेंबर, वर्टेक्स चेंबर इन्होंने यहां पर बना दिया। वर्टेक्स चेंबर कुछ नहीं, एक सिलेंडर बना दी भाई, जहां पर पानी आराम से घूम पाए वो जगह बना दी। तो ये तो है इंपीलर ब्लेड, जहां टर्बाइन की ब्लेड। अब इससे निकलने के बाद ये जो पानी है वो पहले इसमें इस वर्टेक्स चेंबर में घूमगा, उसके बाद इस इंपीलर ब्लेड या इस वर्टेक्स केसिंग से बाहर निकलेगा। तो पहले इस वर्टेक्स चेंबर में घूमेगा और उसके बाद ये इस केसिंग से यहां पर बाहर निकलता है। सो माय डियर फ्रेंड, यहां पर क्या आपको एडवांटेज मिलेगा, तो ये जे थॉम्सन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला कि इसके अंदर जो मोशन हो रहा है, कौन सा मोशन है, फोर्स वर्टेक्स, लेकिन इसके बाहर जब फूड रोटेट करेगा सर्कुलर पाथ में, तो कौन सा मोशन होगा, फ्री वर्टेक्स मोशन। और फ्री वर्टेक्स मोशन में वेलोसिटी रेडियस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। फ्री वर्टेक्स मोशन में वेलोसिटी इंटू रेडियस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। और अगर फ्री वर्टेक्स मोशन में वेलोसिटी इंटू रेडियस का मल्टीप्लिकेशन कॉन्स्टेंट है, तो यहां से फायदा यह है कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ फ्लूड कम होगा, और जब टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ फ्लूड कम होगा तो वो वेलोसिटी हेड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो वेलोसिटी हेड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बर्नौली या प्रेशर या पोटेंशियल हेड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बर्नौली की इक्वेशन ये बोलती है कि प्रेशर एनर्जी प्लस प्रेशर अगर सेम करें तो वेलोसिटी एनर्जी प्लस हेड के बराबर होता है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी एनर्जी कम होगा, हेड बढ़ता चला जाएगा। यस और नो, यस और नो, यस और नो, मैं वापस समझा रहा हूँ, डोंट वरी, मैं वापस से इसको समझा रहा हूँ, डोंट वरी, मैं वापस से इसको समझा रहा हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर क्या हो रहा है, वो उन्होंने क्या किया, एक वर्टेक्स चेंबर लगा दिया। अब वर्टेक्स जब ये भैया इस इंपीलर ब्लेड से बाहर निकलेगा तो कैसे रोटेट करेगा, फ्री वर्टेक्स मोशन होगा ना यहाँ पर। अब फ्री वर्टेक्स मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी रेडियस इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। अब जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी फ्रॉम दिस आई, आई से जैसे जैसे आगे तुम बढ़ोगे तो वैसे वैसे वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम होगी तो क्या होगा, वेलोसिटी हेड कम हो गया, तो भैया वेलोसिटी के तो लॉस हो रहे थे यहां पर, तो आगे जैसे जाएगा वेलोसिटी कम होगी, और वो वेलोसिटी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो इसके पोटेंशियल हेड में या प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो जाएगी। सो यहां से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी लॉस कम हो जाते हैं, लॉस काइनेटिक एनर्जी लॉस, लॉस रिड्यूस्ड। बात समझ भाई, सारा किसी बुक में भी इसको ढंग से नहीं समझा रखा, एक भी ऐसी इंडियन ऑथर की बुक नहीं है जहां पर इसको ऐसे समझा रखा, हर बुक में बस नाम मेंशन कर दिया, ये होता है वो होता है ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। बात समझ में आई, तो कितना डिटेल में मैं आपको एक टॉपिक को समझा रहा हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड द डेप्थ, यू कैन अंडरस्टैंड द डेप्थ। तो अगर कोई फ्रेंड हो जिसको पढ़ना, उसको बोलना ये लेक्चर फॉलो करे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है यार, हर तरह के टीचर होते हैं, ठीक है। एक टीचर होता है जो अपना पूरा जान उसमें झोंकता है, और टीचर मैं भी पॉसिबल, समझ में आया ऋषि, मैं भी पॉसिबल। तो जे थॉम्सन मॉडिफाइड वॉल्यूट पंप बाय प्रोवाइडिंग वर्टेक्स चेंबर इन बिटवीन इंपीलर ब्लेड एंड वॉल्यूट और स्पाइरल केसिंग। व्हेन फ्लूइड रोटेट इन वर्टेक्स चेंबर, दिस रोटेशन बिकम फ्री वर्टेक्स मोशन। सो एज रेडियस इंक्रीज इन वर्टेक्स चेंबर, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कन्वर्ट इन द प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कन्वर्ट इन द प्रेशर एनर्जी, and the vortex chamber serve as a dual purpose of reducing velocity and increase the efficiency. So the loss in the velocity will decrease, and the pump by converting the large amount of kinetic energy into pressure energy or potential energy. And that is the vortex casing we have. That is the vortex casing we have. Rishi, baat samajh mein aayi ya Sonu beta? Uske baad aata diffuser pump ya diffuser. तो यहां पर कुछ नहीं करते हम लोग, यहां पर क्या होता है, डिफ्यूजर का भी बना के बता देता हूं,
ये एक किस्सा मैं शेयर करता हूँ आपको। मैं जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मेरी खुद की कोचिंग हो गई थी। मैं कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। कोटा के अंदर मेरी कोचिंग थी, कोटा के अंदर, कोटा राजस्थान जानते हो ना, तो वहाँ पर मेरी गेट AIS की कोचिंग थी और भी दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम की भी थी। तो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था। सो फिर हम लोगों ने एलन्स के साथ टाई अप कर लिया था, तो वो कोचिंग मर्ज हो गई थी उसमें। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट जानते हो, IIT JEE के लिए। तो वहाँ पर हम लोग MU साइन करते थे, ठीक है, उनकी कोचिंग और मेरे कोचिंग दोनों मिलके हम लोग MU साइन करते थे, ठीक है। आई वॉज अ फाउंडर ऑफ दैट कोचिंग। तो एक दिन हम लोग ऐसे बैठे हुए थे चाय पर, तो जो एलन के डायरेक्टर है महेश्वरी सर और मैं बैठे हुए थे, हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे। तो हम लोगों ने बोला, सर हमने फीस बहुत कम रखी हुई है बच्चों की, जिस जो जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आते हैं उनकी फीस हमने कम रखी है। लेकिन सर मुझे एक डाउट है, एलन हर साल सर फीस क्यों बढ़ा देता है? हर साल आप देखता हूँ मैं सर कि कभी 1 लाख हो गई, कभी 1.5 लाख हो गई, आप बहुत ज़्यादा फीस, अभी अभी राइट नाउ उनकी 1,40,000 फीस है। तो मैं बोलता यार सर बहुत ज़्यादा आप फीस बढ़ा देते हो, और उसके रिस्पेक्ट में कोटा के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं उनके माँ बाप का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है सर। और आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है तो सर हम कम फीस में ही पढ़ा सकते हैं बच्चों को। 60-70 हज़ार, 50 हज़ार मिनिमम, मतलब नॉमिनल फीस होगी, उसमें हम अच्छी अच्छी फैकल्टीज भी हायर कर सकते हैं। आपने फैकल्टीज को इतनी ज़्यादा पेमेंट दे रखी है जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है नॉर्मली, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में आप वर्क करो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में, 2 लाख 1.5 लाख बहुत ज़्यादा पेमेंट होती है, बड़े अच्छे अच्छे लेवल पर भी नहीं मिलती है। ये जस्ट प्रमोशन करते हैं ये लोग, बड़े बड़े कोचिंग वाले, इसने इन उनको ब्रांडिंग कर दी है कि 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडिया में अगर आप काम करो तो 2-2.5 लाख इज बहुत हाई इनकम मानी जाती है, पर मंथ के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से इतनी इनकम बहुत ज़्यादा मानी जाती है। फैकल्टीज की पेमेंट है 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख महीना, ठीक है। अब वो बंदा है कौन? वो बंदा है केमिकल से किसी ने, IIT से, केमिकल इंजीनियरिंग से किसी ने IIT से BTech कर लिया, उसके नाम से वो पढ़ा रहा है मैकेनिक फिजिक्स इंजीनियर, फिजिक्स पढ़ा रहा है। वहाँ बहुत अच्छी इंजीनियर, जैसे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे नहीं आते हैं पढ़ाने के लिए, बहुत ठीक है, ऐसे नॉर्मल आते हैं। सो कहानी क्या है, वो ब्रांडिंग की हुई चीज़ों। तो मैंने उनसे पूछा, सर आप इंडिया में वैसे ही गरीबी है, गरीब का बच्चा वैसे ही नहीं पढ़ पा रहा है, आप क्यों ना फीस कम कर दें? आप फीस कम करेंगे तो इंडस्ट्री में बाकी लोग भी कम दे रहे हैं। 40-50 हज़ार फीस कर दो, जिससे कि हर बच्चा अफोर्ड कर पाए, और अगर हर बच्चा अफोर्ड कर पाएगा तो हर बच्चा कोचिंग करेगा। तो सर आपको क्या लगता है, हमने इस चीज पर विचार नहीं किया कि हम 40 से 50 हज़ार फीस कर दें? या आपको क्या ऐसा लगता है कि बाकी कोचिंग वाले इतने में नहीं पढ़ाते होंगे? कई कोचिंग ऐसे भी हैं जो 40 के 30 हज़ार भी लेते हैं, 25 हज़ार में ही पढ़ा रहे हैं, और टीचर भी उनके पास अच्छे हैं। ऐसा नहीं है टीचर खराब है, हमारे टीचर हैं जो वहां पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ज्यादा फीस क्यों रखते हैं? क्योंकि इंडिया में एक मानसिकता है, जिसके पास जिसके जिसके जिस चीज की प्राइस ज्यादा है, जिस चीज की प्राइस ज्यादा है ना, उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू ज्यादा है, चाहे वो वैल्यू रद्दड़ी क्यों ना हो, रेलू रद्दड़ी क्यों ना हो, लेकिन जिसकी प्राइस ज्यादा है उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो हमको जानबूझ के ज्यादा प्राइस रखनी पड़ती है, नहीं तो बच्चे वैल्यू नहीं करेंगे, हमारे ब्रांड की वैल्यू नहीं करेंगे। ये सच है, ये वास्तव में सच है कि अगर कोई बंदा आपको अच्छा चीज दे रहा है यूट्यूब पे और कंटेंट पढ़ा रहा है, कई अच्छे लोग देखे हैं मैंने, बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग, उनका कंटेंट देखना तक पसंद नहीं करते, लेकिन 50-50, 60-60 हज़ार, 1-1 लाख में वो कोचिंग में बैठेंगे और ऐसे ऐसे टीचर से पढ़ते हैं जो टीचर वास्तव में नहीं है, क्योंकि टीचर बनने में टाइम लगता है बेटा, एक दिन में नहीं बनता। तो इसलिए मैं, कहानी यही है इंडिया की, ये रियलिटी है, और आपने बिल्कुल सही बोला, इंडिया की रियलिटी है। अगर आप अच्छी चीज कम चीज में दे रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, तो बच्चे नहीं प्रेफर करते, उनको प्राइस टैग चाहिए, एंड इट्स अ ट्रू। एंड यू नो दैट अभी कोरोना से पहले मेरे पास, मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ बेटा इस कोचिंग, बच्चों के पास, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर स्टेट में जा पाऊँ। हर साल ऐसा होता था 2-3 स्टेट छूट जाए, 4 स्टेट छूट जाए, वहाँ के बच्चे कॉल करके पूछ रहे हैं, सर पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा रहे, सर कहाँ हो सर आप, हमको पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। इतने बड़े बड़े बैच बनते थे कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं क्लास में जाके बच्चों को पूछ पाऊँ यार, उनकी डाउट सॉल्व कर पाऊँ, इतने सारे हो जाते हैं, बैक टू बैक क्लासेस लग रही हैं। और आज ये हालत है कि अगर आप उनको पढ़ा रहे हो ऑनलाइन, बट
बट वो बच्चे आज नहीं आ रहे ऑनलाइन, तो रीजन पता नहीं, आई डोंट नो, बट इट लूज टू। जब ये चीज़ें पेड हो जाएगी, ये लोग सारे वीडियो प्राइवेट कर देंगे, और फिर हम लोग जब वापस आएंगे मार्केट में, तो फिर बच्चे पूछेंगे सर आपका वीडियो कहाँ है। तो ये चीज़ है, ट्रू है, ये सब चीज़ें ट्रू हैं। ठीक है, बहुत सीनियर फैकल्टी हैं जो आप लोग पढ़ा, शायद आपको को अंदाज़ा नहीं है कितने सीनियर लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और वो बिकॉज ऑफ कोरोना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता ही नहीं है हम लोगों को। क्या आपको नहीं लगता अनअकैडमी कितने सालों से अप्रोच कर रहा हूँ, बहुत सालों से अप्रोच कर रहे हैं लोग, लेकिन हम लोगों के पास इतना टाइम था ही नहीं कि हम यहाँ पढ़ाते ऑनलाइन। इतना बिजी होता ना शेड्यूल पूरे साल पर, इतना टाइम होता ही नहीं है। इतने सारे स्टेट हैं, उतने सारे बच्चे हैं, उन सबको पढ़ाना होता है, तो इतना टाइम होता ही नहीं है। बट आज उनके लिए सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनसे आज भी मेहनत नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ा दुख वाला बात है। ओके, फिर माँ बाप के जब पैसे ज़्यादा बर्बाद करेंगे, जब माँ बाप के बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद करके पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं करते, पढ़ाई के नाम पर वो हॉलीडे मनाते हैं, कॉलेज के 2-4 साल और एक्सटेंड कर लेते हैं वो लोग। ठीक है, कोई सवाल ना पूछे, सवाल ना पूछे, उसके साल वो एक्सटेंड कर लेते हैं, 1-2 साल 3 साल वो एक्सटेंड कर लेते हैं। बेटा पैसे देने से पढ़ाई होती ना, तो आज हर बंदा के पास, जो करोड़पति आदमी है ना, उसके पास जॉब होती है, पढ़ाई डेडिकेशन से होती है। हम लोगों के लिए इतना मुश्किल था ना चीज़ें, अच्छी कंटेंट, अच्छा कंटेंट, अच्छे टीचर, एक ही जगह एक ही सिटी में मिलते थे सारे टीचर, अच्छे टीचर, अच्छा कंटेंट नहीं मिलता था। हमारे लिए इतना सारा चीज़ अवेलेबल होने के बाद भी 90% बच्चे फेसबुक और यूट्यूब पर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपना ट्विटर पे टाइम बर्बाद करें, पता नहीं कौन कौन सी ऐप आ गई जिस पे टाइम बर्बाद करें। इट्स अ वेरी वेरी रेडिकुलस थिंग एवर। आज पता है, आज सिलेक्शन लेना तुम्हें लगता होगा टफ है, मेरे को लगता है सिंपल है, क्योंकि आज जितना बच्चा डाइवर्टेड है ना, बिता हमारे टाइम पे नहीं था। हमारे टाइम पे बच्चे अगर ईएस की तैयारी करने आना तो वो ईएस की करता था, और गेट की करने आना तो पूरे साल गेट की करता था। ना उसके पास ट्यूटर था, ना फेसबुक थी, ना ये सारी फोकट की चीजें थी। उस समय बच्चे डाइवर्ट नहीं होते। उस समय मेरे को लगता है 1000-2000 भी का कंपटीशन था, तो बहुत सीरियस कंपटीशन था बॉस। आज अगर 1 लाख भी बच्चे फॉर्म भरते हैं ना, तो वो सीरियस कंपटीशन नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत बच्चे डाइवर्टेड रहते हैं। उनको लगता है कॉलेज लाइफ चल रही है, सिंपल पढ़ के हमको हमारी ज़िंदगी बन जाएगी, सिंपल पढ़ के हम लोग निकल जाएंगे, हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, और उनको बेवकूफ़ बनाने वाले भी बहुत बैठे ना। बात यह है, कहानी यह है कि आज का टाइम बहुत सिंपल है। अगर आप डेडिकेशन के साथ एक टाइम बांध लोगे, मुझे इतना घंटे पढ़ाई करनी है तो करनी है, मेहनत करनी तो करनी है। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना या फिर कलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, यस हम लोगों को लगता होगा, बहुत फियर लगता होगा, यार पता नहीं हमारे से कितने लोग तो पेपर देते, ऐसा कुछ नहीं। आधे से ज़्यादा बच्चे बेटा डाइवर्टेड होते हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे डाइवर्टेड हैं, और इस कोरोना के टाइम में तो मैं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट जो है ड्रास्टिकली चेंज होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज होने वाले हैं, क्योंकि बहुत बच्चे जो है ना वो पढ़ ही नहीं पाए हैं इस टाइम पर। तो इस टाइम अगर आपने गेट की ढंग से प्रिपरेशन की है और आप एग्ज़ाम ढंग से देके आ रहे हो, तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, अच्छी जगह सिलेक्शन होने के। और फिर भी मैं बोलता हूँ कि अरे यार नंबर बहुत ज़्यादा नहीं भी आए, फिर भी गेट के तो हर एक नंबर का यूज़ कर सकते हो आप। अगर आपने कट ऑफ एक बार पार कर ली तो आप हर एक नंबर का यूज़ कर सकते हो। आपको याद है यार, इस साल से, पिछले साल के बाद से, इस साल से एक तो गेट के अंदर जो है, आपको लगता होगा पीएसयू कम है, मेरे को नहीं लगता पीएसयू कम है, बहुत सारे पीएसयू हैं जो गेट के थ्रू लेती है। पहली बात, पीएसयू बहुत सारी है, उसके थ्रू मुझे तो बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है एमटेक करना, क्योंकि बेटा एमटेक के अंदर वो सारी कंपनियां तुम लोगों को अलाउ करती हैं जो बीटेक के लिए आती है। अब एक सोचिए, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर एक आईआईटी बॉम्बे से बच्चा कर रहा है, और बीटेक एमटेक उसी आईआईटी बॉम्बे से एक बच्चा गेट निकाल के कर रहा है, दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी है, दोनों सेम कंपनी में बैठेंगे, सेम प्लेसमेंट पे बैठेंगे। और अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा हुआ, अगर आपने मेहनत की अपने सब्जेक्ट में, अपने चीजों पे मेहनत, तो आपके ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आप ना मास्टर्ड हो, आपके चांसेस ज्यादा है। लेकिन ये बच्चों को समझ में नहीं आती, यहां तक कि यहां पर एमएनआईटी जयपुर तक में, एमएनआईटी जयपुर की बात करूं, एमएनआईटी जयपुर के अंदर भी जनरल मोटर आती है कंपनी प्लेसमेंट लेने, मैकेनिकल इंजीनियर्स का जनरल मोटर बहुत पुराने, जनरल इलेक्ट्रिकल, जीई भी आती है, जनरल इलेक्ट्रिकल, टेस्ला की कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पर आती है। लेकिन बच्चों को लगता है क्यों पढ़े हम भाई, एमटेक क्यों करें, क्योंकि एक इंडिया में साइकोलॉजी जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। भैया जॉब है ना, नॉलेज से मिलती है, ठीक है, जॉब नॉलेज से मिलती है।
विदा नॉलेज की जॉब नहीं मिलती, ठीक है। ये कोई कॉलेज नहीं चल रहा जो कॉलेज मिल जाएगा बिना पढ़े, ये नंबर आ जाएंगे बिना पढ़े। मेहनत से, नॉलेज से ही जॉब मिलती है, ठीक है। काम करना आएगा तभी आपको कोई काम देगा, काम नहीं करना आएगा कोई काम नहीं देने वाला तुमको, बैठ के कोई बिठा के खिलाने वाला नहीं है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, ठीक है। अपने आप का लेवल इंक्रीज करो, मेहनत करना सीखो, तभी जाके काम बनेगा। ये दोस्तों में टाइम बर्बाद करके या टाइम शेड्यूल नहीं बना के कोई कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर। एमटेक के बाद भाई साहब इतनी कंपनी आती है ना, और अच्छी जगह होता है यहाँ पर। एमटेक के बाद आपका आरएनडी के अंदर होता है, और बेटा बीटेक तक तो तुम कुछ सीखते ही नहीं हो एक्चुअली में। मशीन कैसे बनती है वो तो एमटेक के बाद सीखता है, पीएचडी के बाद सीखता है आदमी। और तुम्हें क्या लगता है पीएचडी के बाद क्या नहीं लगता, तुम्हें लगता है पीएचडी के बाद जॉब नहीं लगती? अरे पीएचडी के बाद जो जॉब लगती है ना बेटा, वो एमटेक के बाद भी नहीं लगती, बहुत खतरनाक जॉब लगती है। क्योंकि उसके अंदर बंदा डायरेक्टली रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड बनता है, और उसके अंदर जो प्रमोशन होते हैं, जो उसका पैसा होता है बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर थिंग। छोड़ो एमटेक अगर तुम कर रहे हो, 12,000 स्टाइपेंड सरकार दे रही है, पीएचडी में जा रहे हो 35,000 तुम्हारे को सरकार दे रही है, हर साल 10% इंक्रीमेंट, 5 साल तक सरकार देगी। भैया ये सरकार ही दे रही इतना, तुम नॉर्मल जॉब में जो 10-10 हज़ार की जॉब है इसमें तो तुम वैसे भी कमा सकते हो। उसके अलावा एमटेक के अंदर तुम और रिसर्च प्रोजेक्ट ले लो, किसी कंपनी का वगैरह वर्क ले लो, तो वो कंपनी भी तुम्हें पैसा दे देगी। और अभी अभी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली 70,000 रुपीज़ एमटेक, उसमें अगर सेलेक्ट हो गए तो 70,000 भी मिलेंगे आपको एमटेक के दौरान। सो भैया देखो सीधी सी बात है, आप मेहनत करोगे तो चीज़ें मिलेगी, नहीं मेहनत करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में। बहुत ऑप्शन है, गेट तो क्या छोड़ो, गेट के साथ तो 50,000 ऑप्शन है। मैं तो ऐसे 50,000 ऑप्शन बता सकता हूँ जो तुम गेट के साथ अवेल कर सकते हो, फ्रॉम बिगनिंग 35 नंबर से लेकर 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर तक। लेकिन हमारा टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम नंबर, क्योंकि मैक्सिमम नंबर से हमारे को अपॉर्चुनिटियाँ मैक्सिमाइज हो जाती हैं, अपॉर्चुनिटियाँ बढ़ जाती हैं। अपॉर्चुनिटी तो लोअर नंबर पे भी मिल जाएगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी जितना ज़्यादा होगा ना उतना बेटर है, जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर है। इसलिए ध्यान से 1 साल तक अगर शेड्यूल के साथ मेहनत कर ली ना, तो बहुत सारी भीड़ है जो तुम छाड़ दोगे और बहुत आगे निकल जाओगे लाइफ में, एंड यू विल इंजॉय, यू विल इंजॉय, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब आता है डिफ्यूजर टाइप ऑफ पंप। तो डिफ्यूजर टाइप ऑफ पंप क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपका इंपीलर ब्लेड लगी होती है, ठीक है, और इसके आसपास एक डिफ्यूजर रिंग लगी होती है। मैं बता दूंगा डिफ्यूजर रिंग, थोड़ा डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। यहां पर आपकी इंपीलर्स ब्लेड लगी हुई, क्या लगी हुई है, इंपीलर्स ब्लेड, ओके। और इस इंपीलर्स ब्लेड के आसपास क्या लगी हुई है, डिफ्यूजर रिंग लगी हुई, डिफ्यूजर रिंग लगी है। अब होगा क्या, यहां पर डिफ्यूजर रिंग का काम क्या होता है, डिफ्यूजर रिंग में क्रॉस सेक्शन बढ़ता है, ऐसे डिफ्यूजर रिंग होती है, ऐसे डिफ्यूजर रिंग होती है। डिफ्यूजर रिंग में क्या होता है, धीरे धीरे जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो क्रॉस सेक्शन इसके अंदर बढ़ता जाएगा आगे। ये थोड़ा सा डायग्राम ऐसे इस वाली को देख लो, तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो इनके बीच में क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाएगा। तो आप कंटिन्यूटी इक्वेशन से जानते हो एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर एरिया इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, एरिया इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी कम होगी। अगेन बर्नौली इक्वेशन से पी बाय ओमेगा वी स्क्वायर बाय टू जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर वेलोसिटी कम होगी तो वो वेलोसिटी हेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा कि जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एग्जिट पर होता है तो वो कम हो जाएगा। तो इस तरह के पंप को हम कहते हैं डिफ्यूजर पंप। तो 3 तरह के हमारे पास पंप होते हैं, एक होता है वर्टेक्स केसिंग पंप जिसके मैंने बता दिया आपको वेलोसिटी लॉस को कम कर, एक होता है डिफ्यूजर रिंग पंप। यहाँ पर डिफ्यूजर रिंग प्रोवाइड की जाती है जो कि वेलोसिटी हेड को किस में कन्वर्ट कर देगी, प्रेशर हेड में कन्वर्ट कर देगी, जिससे कि हमारे पास लॉसेस कम होंगे। लेकिन इसका कॉस्ट ज्यादा होता है, कॉस्ट ज्यादा होता है, कॉस्ट इज मोर, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते, कॉस्टली होता है इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। चलिए सो इट इज योर साइंटिफिकल पंप, इट इज योर साइंटिफिकल पंप, सो यू अंडरस्टैंड दैट साइंटिफिकल पंप आई होप। ऋषि समझ में आया बात, साइंटिफिकल पंप क्या होता है बेटा? या So, अब देखते हैं हम लोग सेंट्रिफ्यूगल पंप का अगर हम डायग्राम देखेंगे तो देखेंगे एट द एंट्रेंस टू द इंपीलर सिंस देयर इज नो गाइड वेन्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट दिस पॉइंट ऑफ द इंपीलर इज नॉट डायरेक्टली नोन। तो यहां पर कोई गाइड ब्लेड नहीं लगी है एट द इनलेट, यहां पर इनलेट पर कोई गाइड ब्लेड नहीं है, इतनी बात रखो। तो हमको कोई गाइड ब्लेड एंगल यहां पर
नहीं पता होता, ठीक है, सबसे पहली बात। अब पंप में कितना पावर कंज्यूम होगा, दैट पावर कंजप्शन विल बी डिपेंड ऑन VW1 U1। अब क्या होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हम ये अज्यूम करते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि एट द पंप इनलेट लिक्विड एंटर द इंपीलर रेडियली, और अगर इनलेट पर रेडियली इनलेट होगा तो VW1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, VW1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वी विल गेट अ मैक्सिमम पावर आउटपुट VW2 U2, VW2 U2, सो वी विल गेट अ मैक्सिमम पावर आउटपुट VW2 U2। दस अल्फा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और VW1 यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फर्दर इन द पंप VR1 इक्वल टू VR2 होता है, क्योंकि अगर हमारी रिलेटिव वेलोसिटी टिप के पैरेलल नहीं होती तो फिर यहां पर शॉक वेव बनती है, तो शॉक वेव से बचने के लिए, उससे बचने के लिए हमारी यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट और आउटलेट पर सेम होती है, तो शॉक वेव से बचने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वो टिप के पैरेलल होती है, टिप के पैरेलल होगी, और जब रिलेटिव वेलोसिटी टिप के पैरेलल होगी तो VR1 और VR2 यहां पर क्या होंगे, बराबर होंगे, टू अवॉइड द शॉक वेव। तो अगर यहां पर हम वेलोसिटी ट्राइंगल बनाए फॉर पंप के लिए, तो मान लीजिए ये हमारी पंप की ब्लेड्स है, सो पंप के लिए वेलोसिटी ट्राइंगल ऐसा बनेगा कुछ कि यहां पर रेडियली इनलेट है, ठीक है, रेडियली इनलेट है, तो सपोज हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी जो है इसके टेंजेंट है, ये हमारा U1 है, और ये हमारा V1 है। सो इन केस ऑफ पंप ये वेलोसिटी तो हमारी क्या कहलाएगी, VR1, ये वेलोसिटी हमारी होगी U1, और ये हो जाएगा V1। यहां पर VW1 क्या हो गया, जीरो। अब जब यहां से बाहर निकलता है तो इस तरह से निकलता है, तो एग्जिट पर क्या होगा, U2 बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा आपका VR2, ये हो जाएगा U2, और ये हो जाएगा आपका V2। VR1 से बनने वाला एंगल β1 होता है, इससे बनने वाला एंगल α1 होगा, जो कि 90 डिग्री हो जाएगा यहां पर। ओके, यहां पर ये एंगल कितना बन रहा है, β2। ये एंगल अभी मैं बताऊंगा इसको, एग्जिट एंगल, चलो एग्जिट का डायग्राम है ना, अलग अलग तरह से बनता है। जैसे मान लीजिए ये वाली एग्जिट वेलोसिटी, ठीक है, कई अलग अलग तरह की वेलोसिटी होती है, तो यहां पर जैसे बाहर निकलेगा फ्लूड, तो मैंने स्टीम टरबाइन के लिए, तो ये किस वेलोसिटी से निकलेगा, VR2 से। अब आपकी वेलोसिटी U2 क्या है, ये रही, और फिर VR1 क्या हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा, ये रहा, तो दिस इज विल बी V1। अब यहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे, तो यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा आपका VW1। ये जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा आपका VF1। अब देखिए यहां पर VR2 से हॉरिजॉन्टल का बनने वाला एंगल, दैट इज नोन एज β2, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, α2। इसकी टेंशन मत लो, डायरेक्शन की वो अपने आप समझ में आ जाएगा तुमको। तो ये इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो दिस इज योर डायग्राम। ओके, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम लोग ये एफिशिएंसी और हेड वगैरह की डिस्कशन करेंगे। आज वो बहुत लंबी क्लास हो गई है, तो कल के लिए फिर मेरा कुछ बचेगा नहीं, है ना, तो एफिशिएंसी वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे ऋषि, है ना बेटा। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस हेड, एवरीथिंग इज,
ओके, क्योंकि यू कैन सी दैट अब हमारे पास बचेगा नहीं। ओके ऋषि, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में देखो, नेक्स्ट क्लास 14 को होगी, कल मैं छुट्टी रख रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास 14 पे होगी। बहुत रेगुलर क्लास हो गई यार, थोड़ा एक छुट्टी भी चाहिए अब। ठीक है, नेक्स्ट क्लास 14 पे होगी, कुछ कंटेंट वगैरह हम और देख लेंगे तब तक। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग 14 को ले लेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। या बहुत ज़्यादा कंटेंट हो चुका है ऑलरेडी, सो आई होप फॉर बेस्ट। ऋषि लास्ट तक बेटा रेगुलरिटी बना के रखो, मेहनत करते रहो, तो सक्सेस तुम्हें ही मिलेगी। मेहनत करोगे, लास्ट तक रेगुलरिटी बनाओगे, तो लाइफ में आपको कोई नहीं रोक सकता सेलेक्ट होने से। कंपटीशन एग्जाम वगैरह तो बहुत छोटी सी चीज़ होती है। ओके, सो फिर हम लोग कल मिलते हैं, नहीं कल नहीं मिलेंगे, परसों मिलेंगे हम लोग, एट द सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द लाइव क्लास।